हेलो एवरीवन, आई एम अनुज, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम, लेट्स डू इट टुगेदर। तो आज हम यहाँ पे एसबीआई क्लर्क मेंस का एक लाइव मॉक टेस्ट देने वाले हैं। फुल लाइव मॉक टेस्ट रहेगा, लेकिन इसमें मैं जीएस अटेंड नहीं करूंगा क्योंकि उसे करने का कोई फायदा भी नहीं है, मुझे आती भी नहीं है और टाइम वेस्ट रहेगा, है ना। तो हम लोग बाकी सेक्शन जो होंगे, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ सेक्शन, स्पेशली रीजनिंग के लिए मैं यहाँ मॉक टेस्ट लाया हूँ कि मेरी रीजनिंग की अप्रोच आप लोग देख सकते हो। मैं यहाँ पे शायद वीडियो कट रहेगी, एक दो मतलब पोर्शन में कट रहेगी, क्योंकि 45 मिनट्स रीजनिंग को देने पड़ेंगे मुझे यहाँ पे। 45 मिनट्स रीजनिंग, 45 मिनट्स मैथ, ठीक है, मैथ हो गया, ये रीजनिंग हो गया, और 35 मिनट्स शायद इंग्लिश के होंगे, है ना। तो देखते हैं किस पैटर्न में आता है। मैं ट्राई करूंगा क्योंकि एक पार्ट में काटना पड़ेगा क्योंकि इतनी लंबी वीडियो रिकॉर्डिंग हो नहीं पाएगी इसमें, ठीक है। तो देखते हैं कैसे होगा। तो ये एसबीआई क्लर्क मेंस का फुल मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट नंबर 3 है ये, आप लोग चाहो तो जाके लगा सकते हो। और यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ मैं। टारगेट मेरा रहेगा यहाँ पे, अभी तो अभी ये फर्स्ट मॉक टेस्ट है, इसमें टारगेट वार्गेट नहीं रखते हैं, हम लोग अपना बेस्ट देंगे। आप लोग चाहो तो मेरे साथ साथ मॉक टेस्ट लगा सकते हो। और अप्रोच यहाँ पे मेन चीज होती है, अप्रोच देखना, है ना। तो मैं अप्रोच देखते हैं, 200 मार्क्स का फुल मॉक टेस्ट रहेगा यहाँ पे, बिगिन करते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला था, इसको तो नहीं लगाते हैं, विकासपट्टनम, चलो ठीक है, इसको, इस वाले सेक्शन को हम लोग सबमिट करते हैं। 50 मार्क्स का आता है, तो अभी से आप लोग इसके लिए रेडी हो जाना, पढ़ना स्टार्ट कर देना, ठीक है। इसमें भी शायद आपको मैं दिखा देता हूँ कितने 35 मिनट्स मिलेंगे, ठीक है, इसको, इसमें आपको 35 मिनट्स मिलेंगे। स्किप करते हैं, अब ये इंग्लिश सेक्शन आ गया, तो इसको हम करना स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। ये डबल डबल क्यों आ रहा है, शायद हिंदी इंग्लिश के लिए आ रहा होगा। द यूनाइटेड किंगडम, ये फिल इन द ब्लैंक्स लग रहा है। सेकेंड वाला पूछा है इसमें, फर्स्ट वाला कहाँ है, ये द यूनाइटेड किंगडम इज फास्ट बिकमिंग अ कॉन्सेंट्रेटेड फॉर हाउ बैड पॉलिटिक्स कैन लेड टू प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस वाज वंस सीन एज अ न्यू होप ऑफ ब्रीथिंग लाइफ बैक इनटू द सिंकिंग फॉर्चून ऑफ द यूके कंजर्वेटिव पार्टी आफ्टर द प्रीवियस लीडर बोरिस जॉनसन of success with the COVID-19 vaccine program embarrassed Downing Street the English scandal announces to be the party member was here. तो इसके में जो बात करी गई, ये डबल डबल आ रहा है, मुझे लग रहा है वो हिंदी इंग्लिश वाला ही सिस्टम है इसमें। तो अभी तक मुझे यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पे यूके की पॉलिटिक्स के बारे में बात हो रही है, जो बोरिस जॉनसन अभी मतलब वो उनको निकाल दिया गया है, मतलब उन लोगों ने उन्होंने अपना पद छोड़ दिया है, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे थे शायद, अब उनकी जगह ये ट्रस ने ले ली है, तो उसी के बारे में बात हो रही है कुछ, मुझे ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। मैंने कॉन्टेक्स्ट समझने का ट्राई करा है ताकि मैं इसमें से चीजें फिल कर सकूं। टाइम देखो हमारे पास बहुत है, 35 मिनट्स बहुत होता है, ठीक है, इसमें पूरा आप पेपर अटेंड कर दोगे अच्छी तरह। तो फर्स्ट वाला भरता है, retail for the how bad politics can led to made a pressure argument led to perfectly coherent reason led to even worse economics made an equivalent pain retail how bad politics can led to, ये इकोनॉमिक वाला लग रहा है मुझे, इवन वर्स इकोनॉमिक, यहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिव सेंस माना चाहिए, तो नेगेटिव सेंस मुझे यही लग रहा है, बाकी सब तो इसका तो मीनिंग नहीं समझ में आ रहा, लेकिन ये मुझे लग रहा है, देख लेते हैं, ठीक है। सेकंड वाला अभी देखा था मैंने, ये रहा, द प्राइम मिनिस्टर ट्रस वाज वंस सीन एज अ न्यू होप फॉर ब्रीथिंग लाइफ बैक इनटू द सिंकिंग फॉर्चून ऑफ द यूके कंजर्वेटिव पार्टी आफ्टर इट्स प्रीवियस लीडर बोरिस जॉनसन स्क्वेंडर द गुडविल, स्क्वेंडर मतलब बर्बाद कर देना किसी चीज को ना, उस सेंस में स्क्वेंडर द गुडविल ऑफ सक्सेस विद द COVID-19 वैक्सीन प्रोग्राम एम्बैरेस डाउन स्टील विद द पार्टी स्कैंडल फॉर्च्यून अंडर द गुडविल ही वाज बर्ब फॉर द गुडविल कंटिन्यू द पोएट्री, यही लग रहा है मुझे, पहला वाला लग रहा है इसका, इसका सेंस ये होता है कि मतलब वेस्ट कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, ऐसी कुछ सेंस में होता है इसका, नेगेटिव सेंस में, क्योंकि उन्होंने बोरिस जॉनसन की लीडरशिप में ये सब हो रखा है ना।
third. Drawing stillness. Now Mr. Truce is in her party member. Crosshair after posting a story. Yes. अब देखो इसमें से कुछ भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी इतनी प्रैक्टिस भी नहीं करी है मैंने इंग्लिश वाले की, तो और इतने बड़े बड़े सेंटेंस लिख के आ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या आएगा। फोर्थ वाला का है, फोर्थ वाला देखते हैं। फ्लिप फ्लॉप यू टर्न एंड वेट ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट इम्पैक्टिंग एनर्जी प्राइसेस इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। फ्लिप फ्लॉप यू टर्न एंड अ लैक ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी फॉर इकोनॉमिक एंड स्टेबिलिटी ग्रोथ हैव एंड लैक ऑफ कोरेंट। हाँ ये आएगा, इसका मीनिंग कोरेंट। हाँ ये चल रहा है, कोरेंट लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजिक फॉर न्यूक्लियर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। किन्हीं दो चीजों को जोड़ने का सेंस आता है कोरेंट से, यहाँ पे मुझे दिख रही है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। अ लैक ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, ये भी मुझे सही लग रहा है। आगे बढ़ते हैं अभी, या ये डबल डबल आ रहा है, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है मेरे लिए। तो ठीक है, एरर वाला पार्ट है, इसको तो यार अभी स्किप करेंगे, एरर वैसे ही मैं फाइंड नहीं कर पाऊंगा। ये आरसी आ गया है, ये आरसी इतना लंबा नहीं है, बस यहीं तक है यार, ये डबल डबल आ रहा है, आई डोंट नो वाई। आगे बढ़ते हैं, ये फिल इन द ब्लैंक्स मैं पहले अटेम्प्ट करूंगा। आरसी में यही जो चीजें होती है ना, ये सब मार्क्स दिलाने वाली होती है। वी व्यू द, यहाँ पे है ना, फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ भरना है। क्वाड एंड इन्फॉर्मेशन ग्रुपिंग ऑफ ऑस्ट्रेलिया इंडिया जापान एंड यूएस। क्वाड जो होता है ना, क्वाड मतलब चार लोगों की वो हो रही है यहाँ पे। क्वाड आपने क्वाड सुना होगा, मतलब उसमें स्क्वाड होता है ना पबजी में, चार लोगों की टीम होती है, वो उसी टाइप में है क्वाड। यहाँ पे क्वाड एक्सरसाइज होती है हमारे बीच में, ऑस्ट्रेलिया इंडिया जापान और यूएस के बीच में होती है। ट्रेड यूनिटिंग जो भी होता है, मतलब हम लोगों ने बना रखा है, एक ब्रिक्स बना रखा है इंडिया ने, है ना, वैसे करके एक क्वाड बना रखा है इन लोगों के साथ। तो उसी के बारे में बात हो रही है, एज हैविंग एसेंशियल मोमेंटम एंड इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव एज सीनियर, एज हैविंग तो सेम ही दिख रहा है ना। अच्छा ये देखो, यहाँ सेम है जो ये यहाँ पे लाइन लिखी है, एज हैविंग एसेंशियल मोमेंटम एंड इम्पोर्टेंट पोटेंशियल, ये भी यहीं पे भी एकदम सेम लाइन लिखी है, तो मतलब यहाँ पे भी हैविंग है तो यहाँ पे भी हैविंग आएगा। तो मतलब आरसी से आप ऐसा करके हेल्प ले सकते हो, ठीक है। ये देखो हैविंग मुझे यहाँ पे दिखा है, ठीक। इसमें तो एरर फाइंड करना है, अभी बाद में करेंगे इसको। ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला क्वेश्चन है, इसके लिए कुछ और आ सकता है कि नहीं आ सकता है, पढ़ लेते हैं यहाँ पे। द इवॉल्विंग सिचुएशन इन द इंडो पैसिफिक रीजन इन द वेक ऑफ चाइनीज इंक्रीजिंग मिलिट्री मसल फ्लेक्सिंग हैज बिकम अ मेजर टेकिंग पॉइंट बिटवीन लीडिंग ग्लोबल पावर्स। ड्रॉइंग बिटवीन तो नहीं आना चाहिए यहाँ पे, बिटवीन मतलब दो लोगों की चीज बीच की बात होगी। पॉइंट्स इन लीडिंग ग्लोबल पॉइंट अमंग मुझे सही लग रहा है, पॉइंट अमंग ग्लोबल लीडर्स लीडिंग ग्लोबल पावर्स, है ना, ये मुझे सही लग रहा है। बिटवीन नहीं आएगा यहाँ पे, अमंग सही लग रहा है। कोएसेंस सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा इसके लिए मुझे, तभी मैं मीनिंग बता पाऊंगा यहाँ पे। ये रहा इंडो पैसिफिक सिनोनिम्स होता है ना, सिनोनिम्स इनमें से कौन सा लग सकता है यहाँ पे। इंडो पैसिफिक रीजन विद क्लियर सपोर्ट ऑफ एशियन कोसेस एंड सर्टिलिटी विद एशियन हॉस्टाइल, मतलब ये तो नहीं आएगा यहाँ पे, है ना, अनफ्रेंडशिप। ये तो इन दोनों का तो मीनिंग ही सेम है, इसका भी मीनिंग सेम है, इसका भी मीनिंग सेम है।
ये मुझे सही लग रहा है। यही सही लग रहा है मुझे। रेजिलेंस का एंटोनिम्स बताना है, तो रेजिलेंस का मीनिंग तो होता है कि टफनेस। हाँ, इसका मीनिंग टफनेस होता है। ये तो सिनोनिम्स बन जाएगा, तो हमको एंटोनिम्स उल्टा बताना है ना। वर्नेबिलिटी, हाँ ये सही है। हार्डनेस टफनेस, देखो ये दोनों सेम मीनिंग है ना, तो ऐसा तो होगा नहीं कि एंटोनिम्स देगा तो वो दोनों सेम मीनिंग के दे देगा। इसका भी सेंस एक है, इसका भी सेंस एक ही है। यही मुझे अलग, इसका मतलब होता है ना नाजुक, वर्नेबिलिटी, बहुत वर्नेबल है, उसको ज्यादा कुछ कहना होता नहीं तो दिल विल टूट जाएगा, उस टाइप में सेंस में। ठीक है। अभी सर मैं वही क्वेश्चन अटेंड कर रहा हूँ जिसमें मुझे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़े ना, ठीक है, कि जल्दी जल्दी हो जाए वो क्वेश्चंस। अच्छा ये कोई दूसरा क्वेश्चन आ गया, पैराग्राफ वाला क्वेश्चन आ गया है, कहाँ पे था मैं, पैराग्राफ वाला क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे तीन पैराग्राफ दे रखे हैं, चार पैराग्राफ है, सॉरी चार पैराग्राफ दे रखे हैं, एक दो तीन चार, चार पैराग्राफ दे रखे हैं, उनमें से हमको चीजें फाइंड आउट करनी है। एक टाइप से आरसी होता है इसमें, का और कोई मीनिंग होता नहीं है। व्हाट इज द अपील ड्रॉन बाय वुड बी ऑथर टू बी सेल्फ पब्लिशिंग हाउस Whose book Democracy Big Day is a collection of historical legend about the presidential. ये पढ़ लेते हैं हम यहाँ पे। There may have more writers than readers. At least that is what evidence suggested bookseller. कह रहा है in the future है ना, writer ज्यादा हो जाएंगे और reader कम हो जाएंगे, मतलब book पढ़ने वाले तो कम हो जाएंगे और लिखने वाले बहुत ज्यादा हो जाएंगे, मतलब हर कोई अपनी अपनी बुक छापे पढ़ा है, इसका सेंस में उस सेंस में मीनिंग चल रहा है। बुक से लड़ा हुआ बैठ पाए थे इकोनॉमिक क्राइसिस एंड स्ट्रगलिंग टू लियोर रीडर्स, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द न्यूयॉर्क पब्लिशिंग हाउस आर लेइंग ऑफ एडिटर एंड पिंचिंग, स्मॉल बुक स्टोर आर क्लोजिंग, बिग चेन आर लेइंग पीपल ऑफ द एक्सप्लोरिंग बैंकरप्सी, रिसेंट लीग ऑफ इंटरनेशनल, Meanwhile, there is one segment of the industry that is actually furnishing by capitalizing on the dream of would be author to see their work between covers and companies that charge writers and photographers to publish are growing rapidly at the time, and when credit and the self publishing boomlet goes to author like डेमोक्रेसी दिख गया। ये रहा इसका आंसर, मिल गया मुझे जिम बैंडेट इसका राइट आंसर मिल गया। इन फोर्थ पैराग्राफ, व्हाट इज द राइजिंग ट्रेंड अमंग प्रोफेशनल दैट इज एडिंग द सेल्फ पब्लिशिंग हाउसेस। पैराग्राफ फोर में पढ़ लेते हैं। तो मतलब इनमें से कोई एक चीज यहाँ पे होनी चाहिए, मेंशन होनी चाहिए ना, तो एक बार मैं इसको पढ़ देता हूँ। टू गिफ्ट बुक इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट सेटिस्फेक्शन, टू गिफ्ट मार्केट, टू पब्लिश द बुक एज अ कंपनी एडवर्टीजमेंट, टू पब्लिश द बुक एज अ एनहांस बिजनेस कार्ड। To use a book as a enhanced business card, ये देखो मुझे तो मिल गया, first line में मिल गया। Self publishing houses, यही meaning होना चाहिए ना, और तो मैं देख लेता हूँ। Gift for family and friends, ये लग रहा है मुझे तो। Which of the following sentence in the meaning phrase ramping up? Ramping up का meaning, ramping मतलब जल्दी जल्दी चीजें collect कर लेना, होता नहीं है कि इस वीडियो को खत्म होने के बाद मैं हर चीज रैंपिंग अप करूंगा और जल्दी से मैं अगले अगले काम के लिए चला जाऊंगा, मीनिंग तो यही होता है इसका, मतलब देख लेते हैं।
टू लार्ज इंक्रीज इन एक्टिविटी और इन अ लेवल ऑफ समथिंग टू अचीव अ सक्सेस इन अ मार्केटिंग ना एन इंक्रीज इन सेल नहीं एक्सपेंशन ऑफ मार्केट ना ये फर्स्ट वाला ही लग रहा है मुझे तो लार्ज इंक्रीज इन एक्टिविटी और इन द लेवल ऑफ समथिंग है ना रैम्पिंग अप करना जल्दी जल्दी चीजों को बटोर लेना उस सेंस में तो फॉलोइंग मीनिंग फेस पीनिस ये तो नहीं पता इसका मीनिंग सिनोनिम्स होता है कैपिटलाइजिंग का एक्सप्लोटिंग कहा था ये कहीं मैंने पढ़ा था अभी इसे बाय कैपिटलाइजिंग ऑन अ ड्रीम बाय एक्सप्लोटिंग ऑन अ ड्रीम टू सी देयर वर्क हैज बीन वर्क यही से लग रहा है A collection of historical and about presidential argument. Synonyms बताना है. A collection of historical इसका तो बिल्कुल नहीं पता यार समझ में नहीं आ रहा. Upfront का इंटरनस बताना है. Upfront मतलब सामने. बैक हैंड होना चाहिए है ना इसमें भी ये एरर डिटेक्शन वाला पार्ट है इसको भी छोड़ देते हैं फाइंड आउट वन आउट ये वाला सही लग रहा है इसमें क्या है पूरा सेंटेंस यहाँ पे लिख रखे हैं पांच सेंटेंस लिख रखे हैं आपको बस बताना है कि इसमें से मतलब कौन सा सेंटेंस इस पूरे पैराग्राफ का हिस्सा नहीं हो सकता है ना अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट टाइम अलोन इन एसेंशियल ह्यूमन नीड्स टू रिक्वायर और रिक्वायरमेंट फॉर लिविंग अ बैलेंस लाइफ ठीक है साइकोलॉजिस्ट की बात करी गई है वी नीड अ टाइम बाय अवर सेल्फ टू एक्सेप्ट फ्रॉम स्ट्रेस और रिलैक्स ये भी ठीक लग रहा है टू मच लोनलीनेस इज अनहेल्थी टू ड्रेन बॉडी एनर्जी डिप्लीटिंग द माइंड ऑफ ऑप्टिमिज्म टेकिंग एयर ऑफ हाई स्पिरिट लीव्स अ पर्सन ह्यूमन कॉन्टेक्ट यू फाइंड ट्यूट इन अ क्वाइट सॉलिट्यूड का मीनिंग पता क्या होता है मतलब ये देखो यहाँ दोनों सेंटेंस में बात करी गई इनकी मतलब ये दोनों सेंटेंस तो होंगे ही पक्का यहाँ पे होंगे इसका मीनिंग सॉलिडेरी होता है कि सॉलिडेरी होता है मैं प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं कर पा रहा हूँ जेल में होता है आपने जेल में सुना होगा एक बंद कोठरी दे दी जाती है जहां पे कुछ भी नहीं होता है एक छोटा सा रूम होता है पता नहीं कितने होगा 4x4 का मान सकते हो आप ऐसे ऐसे करके रूम होता है इसमें बस एक ही दरवाजा होता है एक भी रोशनी कुछ नहीं आती है यहां पे मतलब इंसान को भेज दिया जाता है ये सबसे मतलब खतरनाक कह सकते हो कि टॉर्चर होता है एक टाइप से सैमसन रिडेम्पशन एक मूवी उसमें काफी बार दिखाया गया है इस चीज को तो ये तो नहीं ये मतलब इन दो में से तो कोई आंसर हो नहीं सकता है देखिए पहले मैं ऑप्शन देख लूं जरा ऑप्शन तो बस ऐसी करके 1 2 3 मतलब ABCDA करके है ये सी भी सही लग रहा है और ये मुझे बी थोड़ा अलग लग रहा है एस्केप फ्रॉम द स्ट्रेस एंड रिगेन एंथुसियाज्म मतलब ये सब एकदम पॉजिटिव वे में जा रहा है बाकी सब तो ठीक है ये मुझे बी अलग लग रहा है मैं बी को मार्क करूंगा यहाँ पे फिर आगे चलते हैं सॉलिडेरी मतलब एक अकेले में बात करने वाला सिस्टम भी आप कह सकते हैं यहाँ पे ना एकदम इंसान अकेले रहता अपने थॉट्स को ही सोचता रहेगा उस सेंस में ले सकते हैं इन इंडिया द डेटा सो द नेचुरल इन्फेक्शन प्रोवाइड 83% protection for the at least 5 months of which guidelines individual who has been infected can wait 6 months before getting vaccinated
देयर इज एन इज अनदर बेनिफिट ऑफ शेयरिंग वैक्सीन विद द वर्ल्ड. But there is no such a coherent protection from as it if we had measured protection without waiting and exploiting virus. There is an area that needs to research to determine the level of duration of protection and infection or infection and the vaccines. कोरोना वायरस वैक्सीन के लिए बात करी जा रही है यहाँ पे. यहाँ भी प्रोटेक्शन की बात करी गई है कि एटलीस्ट 5 मंथ तक का प्रोटेक्शन, उसके बाद WHO की गाइडलाइंस के मुताबिक इट कैन बी वेट फॉर 6 मंथ बिफोर गेट वैक्सीनेटेड. ये मुझे बी वाला गड़बड़ लग रहा है, मतलब बी वाला नहीं होना चाहिए यहाँ पे. यहाँ पे जो बात करी जा रही है यहाँ वैक्सीन की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी जा रही है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ग्रेटर चांस टू वी डिक्रीज द इम्पोर्ट ऑफ वेरिएंट. जो वेरिएंट आ रहे थे ना, अल्फा बीटा गामा टाइप में वेरिएंट आ रहे थे इंडिया में, वो कम हो जाएंगे अगर हमने वैक्सीन सब जगह बांट दी. तो यहाँ पे इस सेंस में बात करी जा रही है, बाकी जगह जो है वो प्रोटेक्शन के सेंस में बात करी जा रही है कि हाँ वैक्सीन का प्रोटेक्शन रेट कितना हो सकता है. ये मुझे सही लग रहा है, मतलब बी वाला मुझे अलग लग रहा है. अप फॉर द फ्रोजन ऑफ अप इन द फ्रोजन वेस्ट ऑफ द हिमाल वेस्ट इज वेस्ट ऑफ द हिमालयाज द एंशिएंट शिवा टैप अपसेटिंग द बैलेंस ऑफ द वर्ल्ड. डेड पुटिंग द लिटिल डिस्टेंस बिटवीन द माइट हेल्प द प्रोसेस अलॉन्ग पार्वती मूव साउथ रॉकी लैंडस्केप बिसाइड द रिवर द हिमुता हिल्स सी बिगिन her own necessary in a tube of capacity. Despite himself, Shiva came seeking the great tapasvi known as the part of the Brahma, and they were married even since the land has been known as Brahma and the Hampa. Up in the frozen waste of Himalaya and Shiva emerged in top the tapasya. इसका वो समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी हो सकता है, मतलब इसका सेंस भी समझ नहीं आ रहा है. पार्वती जी की बात करी जा रही है, वो नीचे जाती है कहीं साउथ में जाती है, वहां जाके ना एक तो मीनिंग भी नहीं समझ में आ रहा मुझे. रिप्लेस करना है, वर्ड्स को रिप्लेस करना है यहाँ पे ना. और देख लेते हैं इन वर्ड्स के, तो ढंग से मुझे मीनिंग भी नहीं समझ में आ रहे. The collapse of the company was described as a greater financial disbalance in the country's history. Third obscenity convert constitution. The collapse of the company. ये मैं सही लग रहा है, मतलब सही जगह पे ये the collapse of the company describe करता है कि greater financial उनके लिए मतलब downfall हो जाता है in the country's history में. इसका मतलब negative sense में ही है. सही लग रहा है मुझे. No correction required कर सकते हैं इसको. The collapse of the company was described. The magnitude of the company. नहीं, collapse ही सही है. Farmer have long grieved about the pale of fund. Supply of fund. Supply मतलब इसका supply में नहीं होता है क्या? Supply की spelling ये थोड़ी होती है. Farmer has long grieved about the spell of the rent. Threat. ये मुझे सही लग रहा है. द्रेथ वाला ग्रिप्ड. फार्मर हैव लॉन्ग ग्रिप्ड अबाउट द द्रेथ ऑफ द फंड्स. इनसफिशियंट इसका मीनिंग क्या? इस इनसफिशियंट में होता है द्रेथ का मतलब कुछ चीज नहीं है हमारे पास. शॉर्टेज द्रेथ ऑफ फंड. ये सही लग रहा है मुझे. स्ट्रेटेजी टू फील एम्पैथी for their political opponents and go guzzle violence against the Britishers. Gandhiji engaged the satyagraha to feel empathy for their political opponents to vacant the violence against the Britishers
एग्जॉर्ट गांधी जी एग्जॉर्ट एग्जॉर्ट सत्याग्रह टू फील एम्पैथी टू ऑब्जर्व द वायलेंस, ये वाला सही लग रहा है। ये मतलब इन दोनों, ये दोनों सही लग रहा है, एंगेज वाला भी सही लग रहा है और यही सही लग रहा है, बाकी सब तो गांधी जी ग्रेस ग्रेस द सत्याग्रह, एंगेज भी सत्याग्रह, ये भी सही लग रहा है, यही हो सकता है टू वैकेंट। तो गांधी जी ने सत्याग्रह मतलब सत्याग्रह करा ताकि वो अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स के साथ कुछ फीलिंग एम्पैथी फीलिंग, मतलब होता नहीं है कि एम्पैथी जनरेट हो जाती है कि आपके सामने कोई ऐसे करके बैठ गया, सत्याग्रह पे बैठ गया है, भूख हड़ताल कह सकते हो आप लोग इसको। वायलेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश, इन दोनों में से एक हो सकता है एब्जर्ट, एब्जर्ट का मीनिंग भी सेम ही होता है। देखते हैं, द बॉयज इंक्रेज लोकल लीडर टू डैश टू एब्सटेन फ्रॉम पॉलिटिकल इनिशिएटिव टू डिनाई फ्रॉम पॉलिटिकल टू गोगेंट टू अब्सटेन, ये सही लग रहा है, टू अब्सटेन फ्रॉम पॉलिटिकल इनिशिएटिव एंड टू कनेक्टेड फ्रॉम लोकल लेवल टू डे 18 कर लिए हम लोगों ने। साहिल फर्टिलाइजिंग बिहेवियर कॉज हिम टू हैव अ फ्रेंड्स, इनके तो मीनिंग नहीं पता मुझे, मैं आरसी करने का ट्राई करता हूँ यहाँ पे अब, ठीक है, अब आरसी करने का ट्राई करता हूँ क्योंकि आरसी के कुछ क्वेश्चन रह गए होंगे तो उनको करने का ट्राई करूंगा यहाँ पे। What is the passage talking about? Splitting of Fukai and the Indo-Pacific region. The Biden views or views coherent having essential. इसी के बारे में बात हो रही है मेरे हिसाब से तो। ये इसी के बारे में बात हो रही है। In paragraph 3, the what specific difference enables self-publishing houses to publish more book than the traditional published houses? What specific difference? Difference बताना है हमको, paragraph 3 में बताना है। Traditional published books looks to shorten their book list and rely increasingly on blockbuster seller bestseller. The self-publisher companies ramping up their titles counting and making money on books that sell as a few as a 5 copies in the part in part because the author cover to design print costs. In 2008, the solution which is based on the booming industry and the operating iUniverse as well as other print on demand. Due to the shift in the preference publishing style of the people. आप नहीं बनवाए जाते हैं, अब मुझसे हो भी नहीं रहा है। प्राइस गारंटी स्कीम टू इग्नोर द प्रॉब्लम इन द फेस ऑफ राइजिंग गैसेस टू इग्नोर द प्रॉब्लम, ये सही लग रहा है, टू इग्नोर द टू स्लाइड ओवरलुक इन द फेस ऑफ टू इग्नोर द प्रॉब्लम
So first thing after fasting set off economic. यार मुझे लग रहा है आर्टिकल की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ पे ए वाला लगा रहा हूँ, बाकी सब में तो फुल स्टॉप पे खत्म हो जा रहा है. ठीक है, अब इस सेक्शन को यार मैं सबमिट करता हूँ, हम लोग कौन सेक्शन पे चलते हैं उसको करते हैं, क्योंकि ये हो भी नहीं पा रहा मुझसे अब यहाँ पे. इंग्लिश की इतनी प्रैक्टिस हो नहीं रखी, यहाँ पे एरर डिटेक्शन मैंने सारी छोड़ दी है शायद. ठीक है, आरसी में भी कुछ समझ में आ नहीं रहा है, ये तो ये भी एरर डिटेक्शन ही है. तो इस सेक्शन को सबमिट करते हैं हम लोग, अब कौन सेक्शन की तरफ चलते हैं, देखते हैं वहां पे कितना अटेम्प्ट कर देते हैं. तो फिर कौन को अटेम्प्ट करेंगे यहाँ पे, इसका कौन सेक्शन ही ना, कौन सेक्शन ही है, तो कौन सेक्शन को अटेम्प्ट करेंगे और उसके बाद रीजन का हम लोग लास्ट में करेंगे, बाद में करूंगा मैं क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी. कौन सेक्शन को सिंप्लीफिकेशन आ गया 46, ये इसका होता है 49 इसमें से माइनस करेंगे, नहीं प्लस कर देंगे, 49 प्लस कर देंगे 5 कह दिया 8 9 495, कोई गलत कर रहा हूँ मैं, 495 तो नहीं है, 485 है यहाँ पे, 346 ले लेते हैं और यहाँ से 45 माइनस करेंगे तो 301 ही आएगा, फिर 130 ऐड कर देंगे तो 134 यहाँ पे कितना 35 डिवाइड बाय 7 पंजे 3 15 प्लस कर देंगे 6 446 में 49 जाएगा, 49 प्लस हो जाएगा, यार नन ऑफ दिस आना चाहिए इसका तो. पच्चीस परसेंट मतलब एक बार चार ऑफ इसका, फिर यहाँ पे क्या है 4 से 4 किया तो 250 बचा, 250 प्लस यहाँ पे कितना है 21% ऑफ 3 मतलब 63 प्लस नहीं माइनस का कितना है 50, माइनस का 50 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 263, 50 से यहाँ से कैंसिल 263 आ जाएगा, और एक बार पाँच 8 प्लस कर देंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 8 ले देंगे तो 271 आ जाएगा. 13 का क्यूब 13 इंटू भी 3 इंटू 4 है डिवाइड में 52, ये 4 की टेबल से 4 से 4 कटा ये आ जाएगा 169 प्लस 108 डिवाइड है ये किसका है, ये 12 का क्यूब होता है, फिर कितना है ये 7 ये हो जाएगा 9 63 ये हो जाएगा प्लस 12 कह रही है 6 6 12 और 32 लास्ट में 32 2 ओके. वेरिएबल वाली डीआई आ गई है, इसको हम लोग बाद में करते हैं, तीन ही सिंप्लीफिकेशन थे. इसको भी बाद में करते हैं. मिस्टर एमएस धोनी है, स्कोर करा है अगेंस्ट 3 डिफरेंट कंट्री 3 डिफरेंट ईयर में, इसको भी बाद में करते हैं, पहले सिर्फ इजी वाले मैं पिकअप करूंगा, ये भी बाद में करेंगे. टोटल नंबर शूज ये तो इजी लग रहा है, लेकिन इसको अभी छोड़ देते हैं. अभी मैं देख रहा हूँ और कौन कौन से क्वेश्चन आया, अर्थमेटिक आया है, रॉन्ग नंबर सीरीज आया, इसको कर लेते हैं. फाइंड आउट वन आउट एक 4 16 16 1 26 26
और ये कितना हो जाएगा, पांच पांच, पांच और दस पंद्रह, और ये कितना हो जाएगा, पांच पांच और एक पांच, एक सौ पच्चीस, वन टू का स्क्वायर, थ्री फोर, फाइव का क्यूब, फाइव का क्यूब, टू का स्क्वायर चल रहा है यहाँ पे, थ्री थ्री का क्यूब आ जाएगा, थ्री का क्यूब, फोर का स्क्वायर, फाइव का क्यूब, हाँ तो ये गलत है यहाँ पे, एक सौ दस, एक सौ दस वाला गलत है। छः, चार गुना नहीं, यहाँ दुगुना मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा, नहीं तो दो सौ दस से तीन सौ पैंतीस कैसे चला जाएगा। डिफरेंस डिफरेंस लेते हैं तो यहाँ पे अठारह आ जाएगा, यहाँ पे कितना जाएगा, फोर्टी नहीं थर्टी सिक्स आ जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस कितने का आएगा, साठ का आएगा, यहाँ पे कितने का, नब्बे का आएगा, यहाँ पे कितने का आएगा, दस नब्बे नब्बे देख पाए, एक सौ एक सौ एक सौ पच्चीस का आएगा। यही गड़बड़ लग रहा है मुझे तो, लेकिन देख लेते हैं यहाँ पे कितने का, अट्ठारह का डिफरेंस है, यहाँ पे कितने का है, चार, चौबीस का डिफरेंस है, यहाँ पे कितने का, तीस का डिफरेंस है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस, ये कितने का डिफरेंस हो गया, छः छः छः, छत्तीस होना चाहिए, छत्तीस छत्तीस मतलब 126 यहाँ पे होना चाहिए डिफरेंस, मतलब ये तीन सौ पैंतीस वाला गलत है, डबल डिफरेंस ट्रिपल डिफरेंस आ जाएगा। अब यहां से देखो क्या ट्रिक है, यहां से इस साइड से मत चला करो, फिर इधर से आ जाया करो, 40 से 240 कितने टाइम्स में, सिक्स टाइम्स में है ना, ये कितना है, दुगुना है, ये कितना है, पांच गुना, ये कितना है, चौबीस 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 छंग चौबीस छंग, ये छह गुना है, एक हजार आठ, छ पांच छ सात सात, ये सात गुना है, तो सात पांच छ, यहीं पर कुछ गड़बड़ है, पांच यहाँ पे चार आना चाहिए, चार तो 24 से 48 से ये तो पांच सही जा रहा है, यहाँ पे चार आना चाहिए, चार कैसे आएगा, अगर बारह होगा तो बारह चार मतलब यहाँ पे 120 आना चाहिए, 120 यहाँ हो जाएगा तो 40 से तीन, हाँ ये अब सही है, ये गड़बड़ था, मल्टीप्लिकेशन चल रहा है लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये क्या 240 गलत है, यहाँ पे 240 गलत है। इन्वेस्टमेंट वाला क्वेश्चन है, इसको भी बाद में करेंगे हम लोग, इन क्वेश्चनों को भी बाद में करते हैं अभी, और देख लेते हैं, क्वांटिटी बतानी है आपको, ये दे रखी है, क्वेश्चन दे रखी है, वाई को टू रखेंगे, एक्स को फोर रखेंगे, क्या आएगी क्वांटिटी, तो रख के देख लेते हैं तुरंत यहाँ पे, फिर रख के देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर मतलब वाई, वाई की वैल्यू टू रखनी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू टू, टू एक्स प्लस वाई की वैल्यू टू, फोर इसका टू थर्टी नाइन, थर्टी नाइन मतलब यहाँ पे आएगा माइनस, माइनस का जाएगा फोर गया तो कितना जाएगा, थर्टी फाइव माइनस का थर्टी फाइव, टू एक्स लाना है, एक्स स्क्वायर प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, सात पंजे है ना, वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू एफ बड़ा दो है मतलब, तो एक्स की वैल्यू इधर इधर पांच आ गई है, अब क्या एक्स की वैल्यू फोर रखेंगे, फोर फोर फोर, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन प्लस फोर वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू थर्टी नाइन, ये इधर जाएगा सिक्सटीन टेन और ट्वेंटी थ्री, ऐसा हो जाएगा ये, तो फिर फोर से डिवाइड भी होना है इसको, फोर से डिवाइड हो जाएगा, नहीं नहीं फोर छोटा ही आएगा मुझे लग रहा है इसका, वाई की वैल्यू छोटी ही आएगी इसकी, स्क्वायर भी तो है, एक्स की अगर फोर रखेंगे तो फोर फोर जा फोर फोर जा सिक्सटीन, फोर वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू थर्टी नाइन, ये सिक्सटीन माइनस चला जाएगा तो कितना ट्वेंटी थ्री हो जाएगा, तो वाई फोर वाई प्लस वाई वाई स्क्वायर माइनस नहीं प्लस का फोर वाई माइनस का ट्वेंटी थ्री, ठीक है प्लस प्लस माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगी वैल्यू, 23 कैसे लाना है, 23 कैसे आएगा, यहाँ पे कोई गलत तो नहीं कर रहा हूं मैं, 23 है यार, स्किप करते हैं, दो मिनट कहीं हो गए, प्लस 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 प्लस, अब देखो यहाँ पे y की वैल्यू बड़ी हो सकती है, क्योंकि मैं कैसे लगा रहा हूँ, क्योंकि ये 320 है, 320 84 लाना है ना, तो करके देख लेते हैं, पांच तीन पंद्रह तीन पंद्रह पंद्रह तीन हो जाएगा, पंद्रह तीन चार ऊपर जाएगा तो हो जाएगा बारह साठ,
और यहाँ पे कितना जाएगा, आठ, आठ चौके पांच आठ, यहाँ चार है, चार 64 और 20, नीचे तीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा, और इधर तो लंबा कट जाएगा 180 से ऊपर चला जाएगा। सही, अच्छा वो मैंने सॉल्यूशन कर लिया, सही आ रहा है, यहाँ पे इक्वल टू आ रहा है और नीचे वाला बड़ा, इक्वल टू और नीचे वाला बड़ा, तो y बड़ा हो जाएगा। फोर नाइन जा फोर टू जा फोर, ये कितने में चला जाएगा, 46 टू जा है ना, और ये कितना जाएगा, 23 टू जा फोर जा 16 और 23 ये आगे रूट्स आ गए, माइनस माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है, टू आठ आठ पांच 17 पांच, यहाँ पांच 25 17 25 और 17 ये भी माइनस माइनस है। कैन नॉट बी डिटरमाइंड आ जाएगा इसका आंसर। इसमें रूट्स निकालने हैं और बताने हैं कि मतलब मैच द फॉलोइंग है, रूट्स निकालने पड़ेंगे, रूट्स निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ पे। दोनों प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, दोनों माइनस हैं तो क्या आएगा, साइन किसके आएंगे, प्लस माइनस के आएंगे और फिर क्या साइन आएंगे, प्लस माइनस के आएंगे फिर क्या आएंगे, प्लस प्लस के आएंगे, ये हो जाएगा तीन दुनी प्लस प्लस कहाँ पे है, माइनस माइनस, अच्छा प्लस माइनस है, सॉरी प्लस माइनस हो जाएगा, सबके साइन प्लस माइनस आएंगे, तीन दुनी यहाँ पे आ रहा है तो थ्री की वैल्यू तो सी है, थ्री सी कहाँ पे है, थ्री सी यहाँ पे भी है, थ्री सी यहाँ पे भी है, तो एक और चेक कर लेंगे तो पूरा आंसर ही आ जाएगा। किसका कर लेते हैं, 80 का कर लेते हैं, 80 करेंगे, 16 पंजे 16 में से आखिरी है आठ दुनी 10 80, हाँ 10 और 8 कहाँ पे है, ये रहा बी, तो वन का बी 3 का सी, वन का बी 3 का सी ये रहा। इसमें वही चीज करनी है, यहीं से देख लेते हैं, पहली वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस, माइनस प्लस की आएगी, फिर की क्या आएगी, प्लस प्लस माइनस की आएगी, फिर किसकी आएगी, प्लस माइनस की आएगी, ये यहाँ पे ग्रेटर होनी चाहिए, यहाँ पे स्मॉलर टर्म होनी चाहिए, तो देख लेते हैं ग्रेटर टर्म्स, यहाँ पे 15 है माइनस 1, तो ये इनमें से किसी एक का हो सकता है, 13 माइनस 7 ये भी एक से हो सकता है, और नहीं 14 5 यहाँ पे, तो 1 की वैल्यू भी हो जाएगी, 1 की वैल्यू भी कहाँ पे है, 1 की वैल्यू भी यहाँ पे, वहां पे 1 की वैल्यू भी यहाँ पे है, और फिर एक को चेक कर लेते हैं यहाँ पे, 13 सत्ते मतलब 2 की वैल्यू सी, 2C ए बी 2C, जो इजी क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही कम देंगे लोग, ये तो होने जरा, और क्वेश्चन है क्या, और क्वेश्चन है इसमें, हाइट ऑफ रूम, ठीक है दो रूम दे रखे हैं, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं लोग जल्दी से, देयर आर टू रूम्स इन द हाउस, लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है, तो एक रूम ये हो गया, मैं पूरा रूम ही बना लेता हूं, और ये होगी 12 फिट की इसकी लेंथ है, ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ 12 10 और ये हो जाएगी 8 फिट की हाइट है, और एक दूसरा रूम है छोटा सा रूम है, इससे 10 6 और हाइट नहीं पता हमें, हाइट एक्स है, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग वॉल इज 180, ये वॉल की पेंटिंग का 180 ले रहे हैं, और सीलिंग का 120 ले रहे हैं, ठीक है, तो वॉल तो जाएंगी, चार वॉल होती है, एक सीलिंग होती है, नीचे फ्लोर होता है, ये सबको पता होना चाहिए, अपना अपना रूम देख लेना, ठीक है, सबके स्क्वायर रूम होंगे, स्क्वायर नहीं तो रेक्टेंगल होंगे, इफ द हाइट ऑफ सेकंड रूम इज 6 फिट, हाइट 6 फिट दे रखी है, तो रेशियो बताना है, वॉल्यूम का रेशियो बताना है, वॉल्यूम क्या होता है इसका, 8 12 10 ऐसी होता है क्या, 6 6 10 10 से 10 कटा, 6 6 12 12 गया 8, 6 6 36 होता है, 6 6 36 3 8 3 8 3 वॉल्यूम का रेशियो हो गया। कॉस्ट ऑफ डेकोरेटिंग द फ्लोर विद टाइल्स इज 2
200 में होगा, तो दोनों फ्लोर कोस्ट, दोनों फ्लोर का बताना है, फ्लोर दे रखे थे कि रूम दे रखा था, फ्लोर मतलब यही, दोनों फ्लोर मतलब एक ये, इसका बताना है आपको, ठीक है। 200 है तो ये निकल आएगा। एक्स की हमें यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि हाइट दे रखी है, यहाँ पे हाइट निकालने का काम आएगा। तो कितना जाएगा फ्लोर, कितना जाएगा, यहाँ 10 है, ये 6 है, 60, ये कितना है 12, ये 10 है, तो 120 200 में से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 36। कॉस्ट ऑफ सेकेंड रूम पेंटिंग वॉल इज 648, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कितने रूम हो जाएंगे, 10x into 2, मतलब ये वॉल हो जाएगी पीछे वाली और ये आगे वाली वॉल, तो 10x into 2 प्लस 6x into 2, और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग वॉल कितनी, 180 है, 180 पूरा जाएगा यहाँ से, यहाँ कटा 18 इसके नीचे आ जाएगा, और दो भी काट लेते, दो भी नीचे लिए आते हैं, 2 32 4, ठीक है, ये 80, और ये कितना जाएगा, 16x, 180, 16 एक कम 16, ये कितना आएगा, 20, फिर 16 एक कम 16, देखो 11 फोर यहाँ पे दे रखा है, पहले से ही दे रखा है, यही आएगा शायद इससे डिवाइड करने से, लेकिन हम लोग आंसर पहुंच गए तो फालतू हम लोग सॉल्यूशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो डीआई कर लेता हूं, मैंने कभी इजी डीआई देखी थी, इजी डीआई को पहले कर लेते हैं, केसलेट वाली डीआई को पहले कर लेते हैं, देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। मैं फर्स्ट ट्राई लूंगा यहां पे, मिस्टर धोनी है उसने, एम एस धोनी है, और उसने तीन डिफरेंट कंट्रीज के साथ तीन डिफरेंट ईयर में करे हैं, 2009-10 और 2010-11, तो 9-10-11 इधर ले लेंगे और तीन डिफरेंट कंट्रीज, तो 9-10-11, तो 2010 है यार, है 11, तीन डिफरेंट कंट्री हो जाएंगी, ठीक है। टोटल रन स्कोर करा है 1400, स्कोर अगेंस्ट पाकिस्तान, तो पाकिस्तान आ गया 2009, इज 1/3 ऑफ स्कोर इन श्रीलंका, श्रीलंका यहाँ जाएगा, तो 2009 में जो पाकिस्तान ने स्कोर करा है वो 1/3 है श्रीलंका के, तो 1/3 श्रीलंका के, तो मतलब ये तीन हो जाएगा रेशियो में, तो ये 1 हो जाएगा। एवरेज स्कोर पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान 2009 में, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड मिलाकर ये 4 है, 400 मतलब ये हो जाएगा 800 हो जाएगा, एवरेज है ये, तो इसमें से गया तो ये 600 हो जाएगा। द टोटल रन स्कोर अगेंस्ट श्रीलंका एंड न्यूजीलैंड 2010 में 1100 है, तो ये और ये मिलाकर 1100 है, तो SK और SL और NZ मिलाकर 2010 में ये कितना आया, 1100 आ रहा है, ठीक है। द रेशियो ऑफ टोटल नंबर अगेंस्ट श्रीलंका 2009 में जितना है, और वो अगेंस्ट द श्रीलंका 2010 में 5 है, तो 4 5 4 के वैल्यू 6, ये कटेगा 15 15 3 15 5 750, तो यहाँ पे 750 आ जाएगी वैल्यू, 3 से हो जाएगी डिवाइड हो जाएगा, तो 250 यहाँ आ जाएगा, और अभी हमने यहाँ भी चेक करा है कि इन दोनों का मिला के 1100 आ रहा है ना, तो 250 + 100, तो ये हो जाएगा 350, ठीक है। और क्या बोल रखा है इसने, टोटल नंबर ऑफ रन अगेंस्ट पाकिस्तान 2010 इक्वल टू न्यूजीलैंड 2010, तो ये भी 350 जाएगा। द सम ऑफ टोटल पाकिस्तान न्यूजीलैंड इक्वल टू टोटल श्रीलंका 2011, तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो यहां पे स्कोर है वो टोटल जो है वो श्रीलंका के इक्वल है, तो मतलब इन दोनों को मिला के, पाकिस्तान न्यूजीलैंड को मिला के श्रीलंका आ रहा है, ठीक है, लास्ट वाले में।
टोटल नंबर ऑफ रन स्कोर 2011 में कितना है? 1500 है. द टोटल रन स्कोर अगेंस्ट न्यूजीलैंड 2011 वाज ट्वाइस दी पाकिस्तान 2009. पाकिस्तान 2009 में तो यहाँ पे 150, ये 500 हो जाएगा. तो 500 यहाँ पे, 500 यहाँ पे आ जाएगा. और बचा कितना? 500 के तो 1000 बचा. 1000 इन दोनों को मिलाकर यहाँ पे इसका सम होना चाहिए. 500 500, 1000 1000, 1500 का आधा 25, 750 750 हो जाएगा. 750 और 250, 750 और 250 हो जाएगा. लेकिन 750 और 250 किसका, मतलब इन दोनों को मिलाकर ये आना चाहिए. तो इन दोनों को मिलाकर ये 750 आएगा, ये 250 हो जाएगा. और हमारा बन गया टेबल. ये बचा है ये, है ना, कितना? 850 850, 150 150 और 400 400, मतलब 550. ये 550 आ गया. तो हमारी जो है वो डीआई बन चुकी है. स्कोर रनिंग 2011 2011 में कितना रन स्कोर कराया उसने? 10 11 11 3 1450 1450. वॉट इज द सम स्कोर अगेंस्ट पाकिस्तान इन ऑल थ्री? पाकिस्तान ऑल थ्री 500 500 850 850 850. वॉट इज द रेशियो ऑफ टोटल रन स्कोर न्यूजीलैंड 2009? न्यूजीलैंड 2009 में 550 करा उसने. और स्कोर अगेंस्ट टोटल पाकिस्तान 2010 पाकिस्तान 2010 तो ये 7 11 7 11 11 7. वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल टोटल रन स्कोर बाय अगेंस्ट श्रीलंका 2009 श्रीलंका और 610 1350 1350 एंड न्यूजीलैंड का बताना है. न्यूजीलैंड का 350 550 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
ओके ये सारे क्वेश्चन को कर लेते हैं, ये मुझे सही लगा था, बहुत इजी लग रहा है मुझे ये वाला। देखो कैसे टोटल नंबर दे रखा है, स्पोर्ट्स शूज और कैजुअल शूज दे रखा है, ये शूज दे रखा है, टोटल शूज दे रखे हैं यहाँ पे, कैलकुलेशन बहुत करनी पड़ेगी हमको इसके लिए, और यहाँ पे स्पोर्ट्स दे रखे हैं तो बच्चा को क्या हो जाएगा, कैजुअल हो जाएगा। तो हम लोग पहले टोटल नंबर शूज निकाल लेते हैं, तो टेबल बना लेते हैं, बड़ी सी टेबल बनेगी यहाँ पे। आप टोटल नंबर ऑफ शूज तो प्यूमा हो गया, ये टोटल हो जाएगा, ये स्पोर्ट्स आ जाएगा, ये कैजुअल आ जाएगा, प्यूमा हो गया, बाटा हो गया, एडिडास हो गया, ये सब यूरोपियन कंपनीज हैं शूज और कार्स में, यूरोप बहुत आगे हैं। स्पार्क शायद यहीं का है क्या, पता नहीं, ठीक है। टोटल निकालना है 22, दो जीरो काट देंगे तो 18 सा करना है, 18 दोना 36 396 जीरो, ठीक है, एक जीरो अलग से लगा देंगे। और 20 into 22 कितना होगा, 4400, ठीक है, 35 मतलब 7 11 77 1700, और क्या 12 मतलब 12 दूनी 24 264 जीरो, 15 दूनी 30 3300, ठीक है। स्पोर्ट्स शूज निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 22 3, ये हो जाएगा 9 8, डबल जीरो हटा देंगे तो 98 से हम मल्टीप्लाई करना है हर परसेंट को, 98 मतलब 21, टू जीरो फाइव एट हो गया, और क्या है 18, 1764 98 into 20 अभी मैंने करा है 1964 1960 15% 15 9 15 8 7 1470 1470 और 26% 1960 और 6 की मल्टीप्लाई करेगी 98 में 6 6 6 48 का 8 करी क्या 4 58
588588 8 4 कह दिया 1 5 2 5 4 8। अब यहाँ माइनस करेंगे तो ये चीज आ जाएगी, तो माइनस करना ही पड़ेगा यार यहाँ पे, है ना। तो माइनस कर लेते हैं 3960 2058 2 0 8 1 8 0 2 4 4 00 1 7 6 4, यहाँ पर 36 आ जाएगा, और 13 23 23 23 23 26 है ना, 13 26 36 7 00 1 9 6 0 40, यहाँ पे 40 आ जाएगा, और 16 6 और 1 7 8 6 6 7, यहाँ पे 5 आएगा, सॉरी 5 7 4 1 9 6, आप सही है 7 6 4 1 1 4 7, 14 में से 7, 5 में से 1, 1 1 7 0, ये 33 33, 0 0 2 5 4 8, यहाँ 5 2 आ जाएगा, 5 5 और तो 7, 752 752, ठीक है। और निकाल लेते हैं हम लोग, अब पूरी टेबल बन गई है, हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कर लेते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ कैजुअल सोल्स और बाटा, कैजुअल बाटा बाटा रीबॉक, बाटा और रीबॉक 1 1 7 0, 6 10 कह रही है 1 8 3। अब मैं ऑप्शन के थ्रू करूंगा इसको, मैं देखते हैं यहाँ पे अगर ऑप्शन होगा तो, अगर 2 से काट देते हैं तो 1903 1903 है, देखो है ना, मैं चेक नहीं करूंगा दूसरा वाला, मुझे यही लग रहा है क्योंकि टाइम ज्यादा जा रहा है, हम लोग इतना रिस्क ले सकते हैं यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ स्पोर्ट्स शूज सोल्ड बाय नाइकी 10% मोर देन, आपको टेबल दिख रही है ना यहाँ पे, टेबल ये मैंने पूरी ये बना दी है, टेबल मैं देखी नहीं स्क्रीन दिख रही होगी नहीं दिख रही होगी, टेबल ये पूरी बनी है। टोटल नंबर ऑफ नाइकी 10% मोर देन एडिडास स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स एडिडास एडिडास स्पोर्ट्स इतना है, तो नाइकी कितने हो जाएंगे 10% मोर, है ना, तो 10% मोर इतना हो जाएगा 6 5 करिएगा 1 20 20 56, ये होगा नाइकी के स्पोर्ट्स, है ना। और द नंबर ऑफ कैजुअल शूज नाइकी रीबॉक से कैजुअल कैजुअल 1 1 7 0 कैजुअल 250 लेस है, 250 लेस है तो मतलब 7 में से 5 के 2, 11 में से 2 गया, तो आपको ये बताने फाइंड द टोटल नंबर ऑफ शूज बताने आपको, है ना, नाइकी के, तो 920 इसमें 6 2976 2976, क्या हो रहा है ये, टू नाइन सेवन सिक्स मेरा आंसर आ रहा है, यहाँ पे तो कुछ और ही दे रखा है, कोई कहीं पे मैंने लग रहा कुछ गड़बड़ कर दी है कैलकुलेशन में, 5 5 में से 4 गया 1 1, 1 1 7 सही है, एकदम सही है 1 1 7, नाइकी 200 250 लेस देन रिबॉक 200 लेस देन रिबॉक, और नाइकी के स्पोर्ट्स 10% मोर देन एडिडास 10% मोर देन एडिडास भी सही है, एकदम सही है 9 6 1 9 1 9 6 6 15 6 15, अच्छा यहाँ पर गड़बड़ हो गई, 2 1 5 6 है, यहाँ पे अब सही आ जाएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक ही करी थी मैंने। 10% ऑफ टोटल प्यूमा शूज वर डिफेक्टिव, टोटल प्यूमा शूज डिफेक्टिव है, तो 10% मतलब इतने डिफेक्टिव है, विच आर नॉट सोल्ड एंड रिमेनिंग वर सोल्ड, तो रिमेनिंग सोल्ड हो जाएंगे, तो 396 3960, ये 4, चलो देखते हैं, फाइंड द टोटल प्यूमा शूज डिफेक्टिव प्लस नॉन डिफेक्टिव, डिफेक्टिव प्लस नॉन डिफेक्टिव, इसका मीनिंग मैं समझ नहीं पाया क्या, इफ 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्यूमा 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्यूमा आर डिफेक्टिव, ठीक है,
विच नॉट सोल्ड एंड रिमेनिंग वर सोल्ड, तो रिमेनिंग जो भी बचेंगे इसमें वो सोल्ड हो जाएंगे, ठीक है। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्यूमा शूज, डिफेक्टिव प्लस नॉन डिफेक्टिव, डिफेक्टिव प्लस नॉन डिफेक्टिव, यही तो आना चाहिए। ये वाला मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, एकदम समझ में नहीं आ रहा है, या फिर अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, सब कुछ सामने लिखा तब भी नहीं आ रहा है। 10% ऑफ द टोटल आर डिफेक्टिव व्हिच आर नॉट सोल्ड एंड रिमेनिंग आर सोल्ड। थ्री नाइन सिक्स जीरो, 6, 15 के लिए, 1, 13 के लिए, 4, 3, 5, 6, 4, 3, 5, 6 ऐसा कुछ तो है नहीं। चलो ठीक है, देखते हैं। इफ द शॉपकीपर सोल्ड 202 प्यूमा कैजुअल, प्यूमा इसमें से 202 कैजुअल, तो 1600 बेचे उसने, एंड 44 मोर बाटा, बाटा कितना 2636, 144 10 कह दिया, 1 7 1 8 7। देन फाइंड द एवरेज कैजुअल प्यूमा एंड बाटा, 1680 3 कह दिया, 1 4 0 2 1 9 0 2 1 9 0 2 1 9 0 होना चाहिए, जो कि नहीं है। कहाँ गलती कर रहा हूं मैं, यहीं पे थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है पूरी। एक 8 7 2 7 0 1 6 0 8 3 कह 4 2 1 9 0 2 1 9 0 होना चाहिए आंसर, लेकिन यहाँ पे है नहीं। यहाँ पे मैंने ये गलती कर दी है यहाँ पे, और वही मेरी सबसे लग रहा है, उसी के हिसाब से मेरा आंसर नहीं आ रहा है, ये 19 आएगा। और अब सही आ जाएगा शायद मेरा, आ जाना चाहिए, नहीं ये भी तब भी सही नहीं हो पाएगा यार, पता नहीं कैसे है यार, तो सर में नहीं आ रहा है, ठीक है। अब अर्थमेटिक कर लेते हैं, 12 मिनट बचे हैं हमारे पास। अब मैं सोच रहा हूँ 12 मिनट में कम से कम 12 क्वेश्चन और हो जाए, 20 क्वेश्चन हो गए, 20 क्वेश्चन भी मेरे लिए ठीक ठाक है। और टोटल पॉपुलेशन दे रखी है 15% 25% वाला टोटल मैन यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन है 25% एजुकेटेड है, तो एजुकेटेड है यहाँ पे मेल होगी, यहाँ पे फीमेल का कुछ दे रखा होगा फिर तो, हाँ वुमेन का दे रखा है, मेल और फीमेल दे रखा है, मेल में एजुकेटेड होंगे इसमें, अनएजुकेटेड होंगे 25%, मतलब एक यहाँ पे 3 अनएजुकेटेड होंगे। वुमेन टोटल नंबर ऑफ वुमेन अनएजुकेटेड मैन इज 2:5 है यहाँ पे, ये वुमेन है, ये अनएजुकेटेड मैन है, ये यहाँ पे 3 है, तो ये 15 हो जाएगा, तो यहाँ पे 15 कर लेते हैं, और यहाँ पे तीन कर लेते हैं ठीक है, और 3 × 3 = 6, तो ये 6 वुमेन हो जाएंगी, वुमेन 6 है और अनएजुकेटेड होंगी, और टोटल नंबर ऑफ वुमेन एजुकेटेड है 2/3, तो 6 का 2/3 हो जाएगा 4 हो जाएंगे एजुकेटेड, 2 हो जाएंगे अनएजुकेटेड, तो ये हमारे रेशियो हो जाएंगे 2600 दे रखा टोटल। फाइंड द एजुकेटेड
मेल एजुकेटेड मेल इज व्हाट परसेंट ऑफ एजुकेटेड एजुकेटेड मैन एजुकेटेड मैन यहाँ पे पांच आएगा यार पांच अन एजुकेटेड वुमेन फोर कितना परसेंट है यहाँ पे 25 125 2600 का कोई वैल्यू ही नहीं है जो इन लोगों को 2600 दे रखा है उसका कोई काम नहीं है। ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है इसको तो यार बाद में करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी में आती नहीं। राम लेंट 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 मतलब उसने लोन दिया है राम ने दिया है लाख का पवन और पूजा को तो पवन पूजा 5/4 मतलब 9 से गया 1 कितने बार में जाएगा 3 × 3 × 5 = 15 1.5 लाख 1.2 लाख और 3 साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब 10% पे दिया है इसको इसे 15% दिया है वही 3 साल के और उसके बाद बताना है अमाउंट रिसीव बाय राम फ्रॉम पवन इज हाउ मच मोर देन पूजा तो मतलब इन दोनों का डिफरेंस ही बताना है आपको है ना। तो ये कर लेते हैं कैलकुलेट इनका डिफरेंस बता देते हैं तो 15 पे 1500 ले लेता हूँ मैं 15000 ले लेता हूँ तो ये भी 12000 ले लेता हूँ ठीक है 3 का मतलब 1000 1000 1331 तो ये तो पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर क्या हो जाएगा 15% 15 मतलब 3/20 ये हो जाएगा 23/20 कितना 3 बार तो 20 20 20 529 23 1 2 3 1 2 3 2 2 = 4 4 3 = 3/2 और 529 × 23 और ये कितना हो जाएगा 15 15 1331 पंद्रह पंद्रह एक पांच एकम पांच और से 1331 5 6 9 9 1 ठीक है यहाँ कितना हो जाएगा 3 3 = 9 3 2 = 6 तो 529 और ये हो जाएगा इधर 69 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 9 9 = 81 9 2 = 18 18 8 26 5 45 47 54 का 4 5 2 12 5 17 5 2 = 12 5 15 30 31 1 10 14 14 1 15 1 6 3 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 8 2 5 0.5 तो 1 8 5 5 0.5 तो ये आएगा 5 आ जाएगा ये होगा ना 8 2 5 2.5 5 5 से 2 गया 3 1 9 में से 2 गया 7 1 1713 1 7 1 3 5 1 7 1 3 5 1 7 1 4 5 कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर रहा मैं 3 6 5 0 1 2 से गया तो ये 18 बार में जाएगा 1 8 36 0 2 2 = 4 1 0 2 5 = 10 फिर पॉइंट लगाया जुड़ बढ़ाया 2 5 = 10 6 5 8 8 2 5 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4 1 7 यहाँ पे यार कंफ्यूजन लग रहा है मेरे को तो
पता नहीं मैं सही मल्टीप्लाई कर भी रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। 3 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
पी और क्यू टुगेदर काम करते हैं 32 दिन में, पी और क्यू टुगेदर काम करते हैं 32 दिन में, क्यू और आर 60% काम करते हैं 36 दिन में, 60% मतलब 60 दिन में करते हैं, हाफ काम करते हैं 32 दिन में, तो 64 60 क्यू आर, पी स्टार्ट द वर्क 16 दिन तक काम करता है, फिर क्यू काम करता है 52, फिर आर काम करता है 52, और टोटल काम हो जाता है हमारा, है ना। तो इसका ऐसे में लेते हैं, ये 4 से करेंगे तो 15, 4 से 15 ऊपर जाएगा तो 16 नीचे आएगा, 960 मतलब टोटल वर्क आ जाएगा 960। तो हमको बताना है पी और आर कितने दिन में काम करेंगे, अगर पी जो है वो 1/8 लेस एफिशिएंसी यूज करेगा तो ठीक है। तो हमको इनकी इंडिविजुअल एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। अब देखो हिट एंड ट्राई मेथड यूज कर रहा हूं मैं, पी और क्यू, यहाँ पी और क्यू तो सेम है ठीक है, पी और क्यू मिला के यहाँ पे आ रहा है। तो कुछ यहाँ पे अगर मान ली जाए, यहाँ पे मैं पी को अगर 8 मान लेता हूँ, क्योंकि पी यहाँ पे 12.5% लेस बता रहे हैं ना, तो 8 अगर मानेंगे तो आसानी से 7 आ जाएगा। तो इसको अगर 8 मान लेंगे तो ये 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा। कंफर्म कर लेते हैं यहाँ पे 8, 16, 8, 52, 4, 12, 7, 52, 8, 36, 14, 1, 2, 8, 1, 2, 8, 1, 1, 2, 8, 8, 8, 8, 4, 68, 8, 8, 16, 4, 1, 2, 8, 1, 2, 8, 1, 2, 8, 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
की हो जाएगी 7, पी की हो जाएगी 8, और पी और आर को मिलकर काम करना, पी और आर को मिलकर काम करना, लेकिन पी जो है इतना लेस काम कर रहा है, तो 7 और 9 16 16, 960 कितने दिन में हो जाएगा, 60 दिन में हो जाएगा। शिखा और वीना 75 125, इनका आफ्टर 5 मंथ्स शिखा और वीना जो है विड्रॉ कर लेते हैं, एक बार 3 इसका विड्रॉ का तो 5 हो जाएगा, और इसका 20% विड्रॉ कर लेता है, 80 80 मतलब 100 आफ्टर 5 मंथ, आफ्टर 5 मंथ। और फिर प्रिया ज्वाइन कर लेती हैं 100 रुपये, 100 के साथ प्रिया ज्वाइन कर लेती हैं, आफ्टर सात प्रॉफिट हुआ 101। हमको डिफरेंस निकालना है, शिखा और प्रिया का डिफरेंस निकालना है, तो 25 25 चौके 25 चौके 25 पंजे 25 तिया 25 दहम दुनी, ये 14 14 और 15 29 हो जाएगा, यहाँ पे 5 5 पंजे 25 25 और 28 3 53 हो जाएगा, यहाँ पे 28 हो जाएगा, दस कैरी 9 17 20 कैरी गया 20 2 2 4 2 6 1 1 0 डिफरेंस, एक का निकालना है तो ये गया
फोर टाइम्स में 61 मतलब 5 टाइम्स में 61 5 टाइम्स में, और कितना बचा है हमारे पास 5 टाइम्स में रहेगा तो 55 मतलब 6 मतलब 6, ये सही है हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। फाइंड द टाइम टेकन बाय सी अलोन फिल द टैंक, स्टेटमेंट ए जो है 30 में करेगा, बी खाली कितने में 35 में करेगा, कैपेसिटी 90 है, ए बी सी 36 में करेंगे फिल करेंगे तो इससे आ जाएगा हमारी एफिशिएंसी निकल आएगी, तो सी का भी पता चल जाएगा। तो एक और लास्ट, इसकी हमें जरूरत नहीं है, सेकंड वाले की जरूरत नहीं है, फर्स्ट और थर्ड से ही निकल आएगा हमारा आंसर। रेशियो बताना है आपको, ए और बी का रेशियो बताना है, सम का सम है, ए बी सी का सम जो है 15 है, सी वॉज दी एल्डेस्ट, ए वॉज दी यंगेस्ट, ठीक है, ए की जो एज है वो 3 से ज्यादा है। चलो ठीक है, हमारा टाइम खत्म हो गया है, अब मैं इसको पॉज कर रहा हूँ, इसको हम बाद में करेंगे, ठीक है। इतना हमारा हो गया अटेम्प्ट, कितना हो गया है 21 इंग्लिश में, 25 इसमें मैथ में, ठीक है। अब मैं रीजनिंग को बाद में करूंगा, अभी हम वीडियो को पॉज करते हैं, ठीक है। तो आपको इसके सेकंड पार्ट में मैं वैसे कंबाइन करके ही पूरा फुल मॉक टेस्ट डालूंगा, ठीक है। रीजनिंग को मैं बाद में दूंगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा भी काम है, ठीक है। तो मैं अभी इसे बंद करता हूँ। तो मेरा फर्स्ट सेक्शन में आप लोगों ने मैथ और इंग्लिश देख लिया होगा, और अब यहाँ पे सिर्फ जो रीजनिंग का सेक्शन है वो बचा है, तो रिज्यूम करते हैं हम लोग यहाँ पे टेस्ट को। तो हमारे यहाँ पे टेस्ट रेज्यूम हो गया है और पजल आ गई है, तो पजल नहीं करेंगे पहले हम लोग, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आया है। ये इनपुट आउटपुट आया है, मशीन इनपुट आउटपुट पजल, इनक्वालिटी पजल, ये दो सिलॉक्स के क्वेश्चन आया है, कुछ ऐसे क्वेश्चन आया है, पजल, ठीक है। तो पजल काफी भरी है यहाँ पे पजल, ठीक है, मेंस का लेवल तो पजल भरी रहेंगी। मैंने यहां से स्टार्ट करता हूँ, कोडिंग नहीं, यहां से। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया है हमारा कोडिंग डिकोडिंग में ही, इसे कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं, इनक्वालिटी, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग की इनक्वालिटी है ये, तो इसको सॉल्व करने का तरीका आप लोग यहां देख सकते हो, यही आप फॉलो करोगे तो काफी आपको हेल्प मिलेगी। तो हर सिंबल का एक अलग अलग यूज होता है, हम लोग सबसे पहले बॉक्स बना लेते हैं, ये स्टैंडर्ड है, ये हमेशा बनाना पड़ता है। फिर यहाँ पे सिंबल हम लोग डिफाइन करेंगे कि कौन सा सिंबल किसको मतलब डिफाइन कर रहा है, मतलब कौन सा सिंबल जो इसमें सिंबल है किस प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहा है। यहाँ पे स्टार जो है पीस नीदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर, पीस नीदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर, तो ये तो यहीं पे आ जाएगा, नीदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर, स्टार यहाँ पे आ जाएगा, नॉट ग्रेटर तो स्मॉलर इक्वल, ईदर ग्रेटर और इक्वल, तो यहां पर जाएगा नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल, तो ये ग्रेटर आ जाएगा, नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल, ये बचा हुआ साइन हमारे यहां आ जाएगा। तो हमारा बन चुका है, अब यहां से हम अब मैं क्या, कुछ लोग तो साइंस ही कर लेते हैं लेकिन मैं यहां पे उतार लेता हूं पूरा ताकि मुझे ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। एक्स वाई जेड क्वेश्चन मार्क है, तो आपको बताना, ये क्वेश्चन बन गया हमारा, स्टेटमेंट लिख लेता हूँ मैं जल्दी, स्टेटमेंट लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमको बताना कौन सा सही है, कौन सा ट्रू है, कौन सा ही बताना है यहाँ पे। डब्ल्यू बड़ा टू जेड, एक्स एक्स वाई वाई जेड पहला सही है, वाई बड़ा टू डब्ल्यू ये गलत है, एक्स इक्वल टू वाई, एक्स बड़ा इक्वल टू है, सिर्फ ओनली फर्स्ट इज फॉलो है, बाकी सब अनफॉलो है, तो ओनली फर्स्ट इज सही, बाकी सब असत्य है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन आ गया, तो सेकंड क्वेश्चन आ लेते हैं हम लोग जल्दी से। के ये बॉक्स आपको दिख रहा है, यहाँ पे सिंबल लिखे हुए हैं, के जे आई आई एंड अच्छा यहाँ पे गलत कर दिया मैंने, के जे आई आई के जे जे एल आई
एल के तो हमको बताना इंस्टेंस कौन सा फॉलो कर रहा है। आई इक्वल टू के बड़ा टू एल, के जे से बड़ा जे जे एल, ठीक है। ये इसमें इधर इक्वल इधर और इसमें इधर और लग जाएगा, इधर और लग जाएगा मतलब लास्ट में सेकंड लास्ट में, लास्ट और सेकंड लास्ट में इधर और लग जाएगा, ये रहा सेकंड और थर्ड में इधर और लग जाएगा। दो ही क्वेश्चन थे, ठीक है। सर्टेन लोग दे रखे हैं, छोटी सी पजल है, बना लेते हैं, मैं तो कह रहा हूँ बना लेते हैं इसको पजल को ना, फ्लो में चलते चले जाएंगे तो हमारा सारा क्वेश्चन हो पाएगा। 5 मिनट पहले हो गए मेरे पास। तो सर्टेन लोग बैठे हैं बिल्डिंग स्टोरी में बैठे हैं, ठीक है, बिल्डिंग स्टोरी में बैठे हैं। बॉटम फ्लोर नंबर वन है, फिर ऊपर ऊपर चला जाता है। टोटल नंबर ऑफ फ्लोर इन बिल्डिंग इज मल्टीपल ऑफ 4 बट लेस देन 18, तो मल्टीपल ऑफ 4 है तो मतलब 16 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इससे नीचे तो होना नहीं चाहिए, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी बन सकती है हमारी। ए इज थर्ड फ्रॉम द बॉटम, तो ए इज थर्ड फ्रॉम द बॉटम, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बना लेता हूं मैं पहले। ए इज थर्ड फ्रॉम द बॉटम, ए यहां पे आ जाएगा, ए यहाँ पे आ जाएगा थर्ड फ्रॉम द, ई इज नाइन्थ फ्रॉम द टॉप, ई इज नाइन्थ फ्रॉम द टॉप, तो 9 से तो ज्यादा ही होंगे, 9 10 11 12, एंड इवन नंबर ऑफ पीपल सिट बिटवीन ए और ई, ए और ई के बीच में इवन नंबर बैठे हैं, तो अगर यहां से टॉप फ्लोर ये है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ई यहां आ जाएगा, एक तो पॉसिबिलिटी बन गई, ई यहां आ जाएगा, और ई जो है वो ऊपर बैठा है ए के, इवन नंबर आना चाहिए। मैं 13 14 15 16 लेके चल रहा हूँ यार, क्योंकि इसमें तो 0 आ रहा है, इवन नंबर आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ई अगर यहाँ आ जाएगा, 1 2 3 4, हाँ इवन नंबर बैठ रहा है यहाँ पे। सी इज 12th नंबर फ्लोर में बैठा है, सी 12th नंबर फ्लोर में बैठा है। सम और सी और एफ, सी और एफ, सी और एफ का मिला के बी हो जाएगा, बी डज नॉट, बी यहाँ पे नहीं बैठा है, तो सम अब 12 में क्या क्या मिलाएंगे, तो इन इन में से कुछ आ जाए, है ना, 12 11 का 1, एफ अगर यहाँ पे होगा तो 2 पॉसिबिलिटी, एफ यहाँ पे होगा, एफ यहाँ पे होगा, चीजें बन सकती हैं। एफ अगर 4 कर देते हैं, 12 4 16, बी यहाँ आएगा नहीं, तो एफ यहाँ पे हो जाएगा, 2 पॉसिबिलिटी बन गई हमारी, एफ यहाँ पे होगा और एक बार एफ सबसे नीचे होगा, ई यहाँ पे, सी यहाँ पे, एफ यहाँ पे, तो 14, बी यहाँ पे हो जाएगा, एफ यहाँ पे, तो 1 13, बी यहाँ पे हो जाएगा। और क्या बोल रखा है, दे आर 6 फ्लोर बिटवीन बी एंड एच, 1 2 3 4 5 6 6 फ्लोर, दे आर 6 फ्लोर बिटवीन, 1 2 3 4 5 6, एच यहाँ पे आ जाएगा। और क्या बोल रखा है, आई लिव इन इवन नंबर फ्लोर बिटवीन सी और एच, सी और एच के बीच में इवन नंबर फ्लोर बैठा है, तो सी और एच के बीच में इवन नंबर फ्लोर यही है, यहाँ पे जाएगा, सी और एच के बीच में इवन नंबर फ्लोर यही है। डी और जी जो है वो प्राइम नंबर फ्लोर में बैठे हैं बिलो 10th, तो डी और जी प्राइम नंबर फ्लोर, प्राइम नंबर फ्लोर ये हो गया, ये हो गया, इस पे तो बैठा ही है ऑलरेडी, और ये हो गया, 2 प्राइम नंबर फ्लोर है, कहीं भी बैठ सकते हैं इसमें, तो पर एफ के साथ नहीं बैठे, तो एफ के साथ नहीं बैठे हैं, तो यहां बैठेंगे तो यहां बैठ ही नहीं पाएंगे, डी और जी यहीं पे आएंगे, डी और जी यहीं पे आएंगे, और कोई कुछ दे नहीं रखा है, डी और जी की एग्जैक्ट पोजिशन नहीं दे रखी, तो डी और जी यहीं पे आ जाएंगे, डी और जी यहीं पे आ जाएंगे, तो ये वाली पॉसिबिलिटी से हमारी सेकंड पॉसिबिलिटी से बन गई पजल, पहले से गलत है। हु लिव्स 3 फ्लोर अबव ई, 1 2 3, कोई नहीं है ना, 1 2 3 कोई नहीं, 2 फ्लोर अबव है, 2 फ्लोर अबव, मैं 3 पढ़ रहा हूं बार बार, यहाँ पे आई आ जाएगा। हाउ मेनी फ्लोर अबव बी, 1 2 3, 3 3 3 3, 3 है ना। डी लिव्स ऑन, डी लिव्स ऑन 7th या 5th, कैन नॉट डिटरमाइन, 7th 5th है यहाँ पे दे रखे हैं। जी लिव 5th फ्लोर, जी लिव ऑन द 5th फ्लोर, अगर जी 5th में है तो हु लिव 5 फ्लोर अबव जी, 1 2 3 4 5, आई, तो एक पजल हमारी बन गई है, ज्यादा क्वेश्चन उसमें थे नहीं, 26 27, एट पर्सन बैठे हैं, नाम दे रखे हैं, स्क्वायर टेल में दे रखे हैं, 4 ऑफ देम कॉर्नर, 4 ऑफ देम मिडिल साइड पे बैठे हैं, फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, सब लोग फेस टुवर्ड द सेंटर कर रहे हैं, और सबको अलग अलग कलर भी पसंद है, ये वाली बन सकती है पसंद, ट्राई करते हैं हम लोग बनाने का यहाँ पे।
सब लोग अंदर देख रहे हैं, फेस अंदर कर रहे हैं, चार लोग बैठ रहे हैं, चार लोग कॉर्नर पे बैठे हैं, ठीक है। डस्टिन सिप कॉर्नर लाइक ब्राउन कलर, तो डस्टिन ब्राउन कलर, अस्टिन थर्ड टू द राइट, थर्ड टू द राइट, AUSTIN अस्टिन यहाँ पे बैठ जाएगा। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन अस्टिन एंड ग्रीन कलर, तो दो पॉसिबिलिटी बन जाएंगी हमारी, दो पॉसिबिलिटी बन जाएंगी, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं दूसरी पॉसिबिलिटी। डस्टिन यहाँ पे जाएगा, ब्राउन यहाँ पे आएगा, अस्टिन यहाँ पे जाएगा, और क्या है, एक छोड़ के एक छोड़ के एक छोड़ के एक छोड़ के ग्रीन बैठा है, ग्रीन यहाँ पे बैठ जाएगा, एक छोड़ के ग्रीन यहाँ पे बैठ जाएगा। और गौरी इज इमीडिएट नेबर ऑफ ग्रीन, तो गौरी, गौरी के लिए यहाँ पे एक ही जगह है, GAURI गौरी, गौरी के लिए यहाँ पे दो जगह है, देख लेते कहाँ बैठेगा, ग्रीन कलर। फरहान इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ लीवाई, फरहान यहाँ पे जाएगा, FARN फरहान, ये दोनों आपस में नेबर नहीं है। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन गौरी एंड पिंक, तो गौरी एक छोड़ के पिंक इधर आएगा नहीं, गौरी एक छोड़ के पिंक यहीं पे आएगा, यहाँ पे गौरी, गौरी अगर यहाँ पे होगा, गौरी एक छोड़ के पिंक यहाँ नहीं होगा, गौरी एक छोड़ के पिंक यहाँ पे हो जाएगा, गौरी एक छोड़ के पिंक, इस वाले में कंडीशन पॉसिबिलिटी बहुत से बन रही है, देखते हैं और क्या हो सकता है। रोनाल्डो लाइक व्हाइट कलर, रोनाल्डो व्हाइट कलर लाइक करता है। सिट इमीडिएट राइट ऑफ ब्लू कलर, ब्लू कलर के इमीडिएट राइट में है। द वन ब्लू कलर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ पिंक कलर, तो पिंक के सेकंड टू द राइट में, तो इसको बैठाना हमको, अगर पिंक, पिंक के सेकंड राइट में ब्लू यहां पे हो जाएगा, ब्लू यहां पे हो जाएगा, रोनाल्डो, रोनाल्डो यहां हो जाएगा, व्हाइट यहां हो जाएगा, ठीक है। यहां पे अभी देखते हैं और क्या हो सकता है। पॉम्पी इज इन इमीडिएट नेबर ऑफ पर्पल, तो जो पर्पल कलर होगा उसका इमीडिएट नेबर पॉम्पी होगा। लिविल डज नॉट लाइक पिंक और पर्पल, इसको पसंद नहीं है। अस्टिन डज नॉट लाइक ब्लैक कलर, अस्टिन डज नॉट लाइक ब्लैक कलर। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन व्हाइट एंड पर्पल, तो व्हाइट एक छोड़कर पर्पल यहाँ नहीं, तो व्हाइट PURPLE व्हाइट पर्पल यहाँ पे आ जाएगा, एक छोड़कर पर्पल यहाँ पे आ जाएगा। द वन हु लाइक पर्पल कलर नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ पिंक कलर, नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ पिंक कलर, तो यार ये तो पॉसिबिलिटी गलत हो गई यार, ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई है, यहां से चलना पड़ेगा। एक तो मैंने कंडीशन नोट नहीं करी है सारी, गौरी ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन गौरी एंड पिंक, गौरी एंड पिंक के बीच में एक लोग बैठा है, गौरी, गौरी और इमीडिएट नेबर है ग्रीन की, तो गौरी अगर यहां लेते हैं पिंक, गौरी यहां पे पिंक, यहां पे पिंक, एक छोड़ के ब्लू, फिर यहां पे आ जाएगा, फिर हो जाएगा ना, फिर हो जाएगा, तो गौर GAURI गौरी यहां पे हो जाएगा, पिंक यहां हो जाएगा, एक छोड़ के ब्लू यहां पे हो जाएगा, ब्लू और रोनाल्डो व्हाइट यहां पे हो जाएगा। और क्या बोला था, व्हाइट, व्हाइट एक छोड़ के पर्पल बैठा है, तो PUR पर्पल यहां हो जाएगा, ठीक है। ये पता चल गया, और क्या रह गया, पर्पल और पॉम्पी एक जगह बैठेंगे, तो पॉम्पी इधर नहीं आएगा, तो POM पॉम्पी यहां पे आ जाएगा। ब्लैक, ब्लैक यहां नहीं बैठेगा, तो ब्लैक ऑब्वियसली यहीं पे बैठेगा, BLAC के ब्लैक यहां हो जाएगा। और लीवा यहां नहीं आएगा, लीवा यहां नहीं आएगा, और कुछ बचा है क्या, फरहान, फरहान और लीवा यहां नहीं आएगा, तो लीवा कहां आ सकता है, और क्या, ये एक बंदा बच गया है, तो लीवाई यहां नहीं आएगा, तो लीवाई अगर यहां आ गया, ठीक है, तो फरहान यहां हो जाएगा, जो बचा वो बच्चा यहां हो जाएगा, है लीवाई के लिए, अच्छा लीवाई यहीं आएगा, लीवाई यहीं आएगा, FARN फरहान यहां पे आ जाएगा, जो बचा हुआ बंदा हुआ यहां आ जाएगा, कौन है, और बचा हुआ कलर यहां आ जाएगा, बचा हुआ कलर कौन सा है, रेड। तो हमारी पजल ये वाली जो है पॉसिबिलिटी एकदम राइट बनी है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग आंसर लगाते हैं। 5 मिनट हो गए इसे बनाते हुए। सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पर्सन हु लाइक ब्लैक कलर, ब्लैक कलर के सेकंड टू द लेफ्ट में कौन फरहान बैठा है, सेकंड टू द लेफ्ट, हाँ, इमीडिएट राइट, विच कलर विच इज लाइक बाय पर्सन सिट इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन, थर्ड टू द लेफ्ट उसके सेकंड टू द राइट, है ना, इमीडिएट राइट में फरहान बैठा है, फरहान और उसे पर्पल कलर पसंद है,
सही है ना, थर्ड टू दी लेफ्ट, थर्ड टू दी लेफ्ट, सही। अपोजिट ब्लैक कलर के अपोजिट कौन है? ब्लू, ब्लू 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 गौरी। थर्ड थर्ड टू दी राइट, रोनाल्डो के थर्ड राइट में कौन है? पॉम्पी, पॉम्पी लाइक पर्पल, लाइक ब्लैक कलर, ब्लैक कलर। तो क्वेश्चन भी कम थे इसमें, ठीक है। रिवर्स सिलोगिज्म आ गया ये, है ना, मैंने इसके बारे में बताया भी था आप लोगों को शायद अपनी पिछली वीडियो में, बताया था मैंने रिवर्स सिलोगिज्म आता है। तो कंक्लूजन यहां कर लेते हैं, तो कंक्लूजन है सम रेड आर ब्लैक, All yellow or red is a possibility. At least some yellow or pink. ठीक है, देखते किससे बनता है, ऑप्शन देख लेता हूँ पहले मैं। स्टेटमेंट फिफ्थ, तो हम देख, मेरा मेन फोकस रहेगा सम रेड आर ब्लैक होना चाहिए, कहीं ना कहीं सम रेड और ब्लैक होना चाहिए। तो मैं देख लेता हूँ कहाँ पे है सम पिंक और ब्लैक, सम पिंक आर ब्लैक, इसमें स्पीड स्पीड मैटर करेगी आपकी, सम पिंक आर ब्लैक, सम येल्लो आर रेड, तो इसमें कहीं दे ही नहीं रखा सम रेड आर ब्लैक, तो ये तो गलत हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। ऑल पिंक आर येल्लो, सम येल्लो आर रेड, नो ब्लैक इज येल्लो, नो ब्लैक इज येल्लो, इसमें भी रिलेशन नहीं दे रखा, ये भी गलत हो जाएगा। सम ऑल पिंक आर येल्लो, ऑल पिंक आर येल्लो, ऑल येल्लो आर ब्लैक, नो ब्लैक इज रेड, नो ब्लैक इज रेड, ठीक है। इसमें इसमें भी गलत है, पूरा कंडीशन ही गलत है, इसमें तो नन बोल रखा है। सम पिंक आर येल्लो, सम पिंक आर येल्लो, और सम येल्लो आर, सम येल्लो आर ब्लैक, सम येल्लो आर ब्लैक, नो ब्लैक इज रेड, ये भी गलत है। तो बचा हुआ फिफ्थ, फिफ्थ नन ऑफ दिस भी है क्या, देख लेते हैं। सम पिंक आर येल्लो, सम पिंक आर येल्लो, सम येल्लो आर ब्लैक, सम रेड आर ब्लैक, हाँ ये सही है, सम रेड आर ब्लैक बोल रखा है, पहली कंडीशन हमें ट्रू हो जाती है। एटलीस्ट सम येल्लो आर पिंक, ये भी सही है। ऑल येल्लो बींग रेड इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी सही है, तीनों सही है, मतलब हमारा जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, मतलब लास्ट फिफ्थ स्टेटमेंट सही हो जाएगी। इसमें देख लेते हैं, इसमें स्पीड मैटर करेगी, जितनी जल्दी आप कंडीशन बना लेंगे उतनी जल्दी आपका मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सम बैग आर नॉट कॉपी, सम बुक आर नॉट पेन, सम बुक आर नॉट पेन, सम बुक आर नॉट कॉपी, सम बुक आर नॉट कॉपी, ठीक है देखते हैं। Only few book are pen. Some book are not pen. Some book are not pen. इसमें follow कर रहा है। Some bag are book. Some bag are book. No pen is bag. No pen is bag. Some pen is copy. Some pen is copy. अब देख लेते हैं। Some bag are not copy. Some bag are not copy. Count से ये तो count से जा रहा है। Option देखना पड़ेगा इसमें। ऑप्शन डबल डबल ऑप्शन भी है, तो मतलब एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी राइट हो सकती है। नो बैग इज बुक, नो पेन इज बैग, ओनली पेन इज कॉपी, तो कॉपी सारी इसके अंदर आ जाएंगी। ओनली फ्यू बुक आर पेन। अब बना के देखते हैं। सम बैग आर नॉट कॉपी, राइट, मतलब कुछ भी नहीं जा सकता, तो जब बैग इसके अंदर नहीं जा सकता, एक पार्ट भी नहीं जा सकता, तो सम पार्ट भी नहीं जाएगा। सम बैग आर नॉट पेन, हाँ ये भी सही है। सम बुक आर नॉट कॉपी, ये भी सही है। तो हमारा सेकंड वाला ट्रू है। तो सेकंड इसमें है, सेकंड इसमें भी है। फोर्थ अभी स्टेटमेंट और चेक कर लेते हैं, फोर्थ अलग से राइट होता है तो हमारे पास ऑप्शन है। ओनली फ्यू मेथड चेक नहीं करूंगा क्योंकि उसका करने का कोई लॉजिक भी नहीं है। सम बुक आर पेन, सम बैग आर बुक, नो पेन इज बैग, ओनली पेन आर कॉपी। सम बैग आर नॉट कॉपी, ये भी सही है। सम बुक आर नॉट कॉपी, ये भी सही। तो हमारा सेकंड और फोर्थ वाला जिसमें मैंने टिक मार्क कर रखा, यही सही है। आगे बढ़ते हैं। सिक्स मेंबर है, इसमें स्टेटमेंट बतानी है, इसको अभी बाद में करते हैं हम लोग। पहले मैं
इस वाले क्वेश्चन को कर लेता हूँ। ये है कोडेड ब्लड रिलेशन, कोडेड इनक्वालिटी अपने आपने देख लिया है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। कोडेड ब्लड रिलेशन देख लो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, और ऐसी हर मेंस एग्जाम में होता है, ठीक है। तो बस इक्वालिटी लेवल ऊपर नीचे हो जाता है, बाकी पैटर्न यही रहता है। इसमें ये आ गया है और सारी चीजें रखी है, बस ये आपको नोटिस मतलब नोटिस में लाना है कि ए से बी की तरफ जाना चाहिए, है ना, क्योंकि बी इसमें पहला आगे दे देते हैं। अब एन और एम का रिलेशन बताना है और जेड दे रखा है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे सिंबल देखूंगा और बनाना स्टार्ट कर दूंगा। जेड इज अ सिस्टर ऑफ एम, एम प्लस एम प्लस एम प्लस एम इज अ फादर ऑफ बी, बी बी डिवाइड बी डिवाइड बी डिवाइड बी इज अ सन, बी अ सन ऑफ एच, मतलब ये मर्डर हो जाएगी, मदर मर्डर मर्डर, ठीक है, मदर ऑफ एफ, एफ यहाँ पे इसका कोई भाई बंधु होगा, वाइफ, ये वाइफ है, तो ये बी एन हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो जेड किसके एन और एम में बताना है, एन इज रिलेटेड, एन इज सन इन लॉ, एन इज सन इन लॉ, दामाद। आर और क्यू के बीच में रिलेशन बताना है, तो क्यू सॉरी आर सॉरी यू, यू इज वाइफ, यू इज वाइफ है किसकी, आर की, आर फादर है, टी का टी वाइफ है पी की, ठीक है। आर और क्यू की पूछू तो आर और क्यू की पूछू, पी पी इज द फादर ऑफ क्यू, आर रिलेटेड टू क्यू पूछना है, तो आर कौन है, आर 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 नाना, मैटरनल ग्रैंडफादर, नाना नाना मैटरनल, माँ से मैटरनल लिखा होगा तो मम्मी की तरफ, मैटरनल होगा तो मम्मी की तरफ, पैटरनल होगा पी से पापा की तरफ, ठीक, ट्रिक होती याद करने की। ई ग्रैंडसन, ई को ग्रैंडसन बनाना है, ई को ग्रैंडसन बनाना है के का, ठीक है। तो ई को हमको पहली बार तो मेल बनाना है, मेल बन रहा है, हाँ ई पहली स्टेटमेंट से तो मेल बन रहा है, ई इज सन ऑफ एफ, एफ इज मदर ऑफ जी, जी इज सन ऑफ एच, एच इज फादर ऑफ के, ना गलत हो जाएगा, हमको ग्रैंडसन बनाना है, के को ऊपर लाना चाहिए, पहली गलत हो जाएगी। ई को हमको सन बनाना, ई को पहली बार तो मेल बनाना है, ई प्लस ई इज फादर, ई इज फादर ऑफ के, ये तो गलती हो जाएगा, है ना, ई ई ई ई ई सिस्टर नहीं, ई को हमको ग्रैंडसन बनाना, ई ई इज द सन ऑफ एफ, तो लास्ट देखो सेकंड गलत हो जाएगा हमारा, थर्ड भी गलत हो जाएगा, थर्ड में फीमेल बन रही है, सेकंड वाले में तो ई और के का डायरेक्ट रिलेशन आ गया है। हमें फोर्थ वाला चेक कर रहा हूँ क्योंकि फोर्थ मुझे लग रहा है क्योंकि सही होगा, बाकी नन ऑफ दिस होगा फिर इसका आंसर। ये हो जाएगा सन, सन सन हो जाएगा एफ का, एफ एफ इज अ सन ऑफ एल, एल एल इज अ वाइफ ऑफ, एल इज अ वाइफ ऑफ के, है ना, ये बन रहा है। मैंने आगे का चेक भी नहीं करा है क्योंकि ई सी हमको काम का है, बाकी काम का ही नहीं है। तो एज वाली क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, एज वाली पजल पे आ गए, तो पजल हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एज वाली पजल कर रहा हूँ यहाँ पे, बहुत ध्यान से देखना कैसे एज कैलकुलेट करी जाती है। 83 85, बस ये चीज देख लेना, यहाँ चेक कर लेना जितनी भी एजेस लिखी है वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखी कि नहीं लिखी, मतलब असेंडिंग ऑर्डर मतलब यहाँ से लेकर ऐसे अगर ग्राफ जाना चाहिए 83 85 ऐसे करके ऊपर जाना चाहिए, सन मतलब लाइन से लिखे होने चाहिए, यहाँ पे लाइन से लिख रहे हैं, मुझे दिख रहे हैं 99 01 03। तो 21 से कैलकुलेट करी जाएगी इन लोग की एज, तो 21 से कैलकुलेट करी जाएगी, 17 17 1 18, ये 20 एक एक एक, और ये हो जाएगा 22, है ना 22, और ये हो जाएगा 5 4 गया 26, यहाँ हो जाएगा 30 31, है ना, ये हो जाएगा 10 12 33 33 हो जाएगा, ये कितना 3 3 मतलब 36, ये कितना हो जाएगा 2 38, तो हमारा बन गया यहाँ पे क्या बोल रखा है इसने, एज ऑफ सेल्स मैनेजर की एज है वो मल्टीपल ऑफ 3 है, तो मल्टीपल ऑफ 3 सेल्स मैनेजर यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है और यहाँ पे आ सकता है, तीन जगह आ सकता है सेल मैनेजर, सेल मैनेजर नॉट बॉर्न इन 2003, तो बस दो ही पॉसिबिलिटी होती है, दोनों पॉसिबिलिटी बना के चलते हैं हम लोग, सेल्स मैनेजर, ठीक है, मैं दोनों पॉसिबिलिटी साथ में बना के चल रहा हूँ, आप लोग भी ऐसा करो, नोट्स कम लिखा करो, डायरेक्ट पुट करा करो चीजें, है ना, अगर पुट हो रही है तो नोट्स बनाना होगा तो मैं यहाँ लिख दूंगा। 2% बैठे हैं जूही और सेल्स मैनेजर के बीच में, दो छोड़ के जूही यहां आ जाएगा, ठीक है, दो छोड़ के जूही यहां आ जाएगा। नंबर ऑफ पर्सन यंगर देन जूही इक्वल नंबर ऑफ पर्सन एल्डर देन ज्योति, तो इसके नीचे 3 है तो उसके ऊपर भी 3 होंगे, ज्योति यहां जाएगा दो छोड़ के, तो दो छोड़ के ज्योति यहां जाएगा। 4% प्रिंसिपल
और कैशियर के बीच में 4% बैठे हैं। कैशियर बॉल इमिडिएटली आफ्टर जूही, 1 2 3 4 प्रिंसिपल, 1 2 3 4 प्रिंसिपल, ठीक है। कैशियर बॉल इमिडिएटली आफ्टर जूही, रितु हु इज एल्डर द वन प्रिंसिपल, तो रितु यहां पे जाएगा, एक ही जगह बचती है, यहां पे आएगा नहीं, तो ये पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो गई, ये वाली सही जा रही है। अंकिता इज यंगर टू ज्योति एंड एल्डर टू जूही, तो अंकिता की दो पोजीशन बन गई है। अंकिता वॉज नॉट बॉर्न इन 90, तो अंकिता यहां जाएगी, अंकिता यहां जाएगी। और क्या बोल रखा है इसने, ओनली वन पर्सन अंकिता भावना के बीच में एक जना बैठा है, तो भावना यहां जाएगा ऊपर, एक छोड़ के भावना यहां तो आएगा नहीं, क्योंकि ज्योति यहां पे, भावना भावना यहां जाएगा। वन पर्सन बॉर्न बिटवीन रोली एंड बीनू, बीनू हु इज असिस्टेंट मैनेजर, तो बीनू असिस्टेंट मैनेजर, बीनू असिस्टेंट मैनेजर, बीनू असिस्टेंट मैनेजर, दो जगह खाली दिख रही है। टीम मैनेजर इमीडिएटली आफ्टर आईटी, आईटी के साथ आईटी के बाद बैठा है, तो हमको पहले इसको बैठाना पड़ेगा ना। रोली, रोली 1990 में नहीं बैठी, 1990 में बॉर्न नहीं हुई है और 2003 में बॉर्न नहीं हुई है रोली, तो अगर यहां पर बनाते हैं तो यहां पर आ जाएगा, यहां पर बनाते हैं तो यहां, बीनू रोली, तो बी आई एन यू बीनू जो है, बीनू कौन है, बीनू 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 असिस्टेंट मैनेजर है, तो रोली यहां जाएगा, ठीक है, रोली यहां आनी पड़ेगा क्योंकि जूही है यहां पे, हमें दो ही जगह खाली दिख रही थी। और आईटी के इमीडिएट नीचे टीम मैनेजर है, तो अगर आईटी है तो नहीं, अगर आईटी है तो नहीं, हाँ तो ये आ जाएगा, आईटी यहां जाएगा, तो टीम मैनेजर यहां पे आ जाएगा। द वन हु इज डायरेक्टर बॉर्न बिफोर एग्जीक्यूटिव बट नॉट इमीडिएटली, तो एग्जीक्यूटिव यही आएगा, बची यहीं पे, डायरेक्टर यहां आएगा, बन गई हमें पजल, बन गई है यहां पे। इमीडिएटली आफ्टर बीनू, बीनू के जस्ट बाद कौन है, अंकिता, आईटी, अंकिता, आईटी, अंकिता, ये रहा। हाउ मेनी पर्सन बॉर्न रोली एंड भावना, रोली और भावना के बीच में कितने लोग बैठे, 1 2 3 4 लोग, 4 1 2 3 4 चार लोग हैं। सम बताना अंकिता और रितु का, अंकिता 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 26, रितु 38, 4 कैरी का 1 64 64 64, ये रहा। 31 ईयर ओल्ड कौन है, बीनू 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 स्टेटमेंट अजम्पशन, इसको तो मैं करता ही नहीं, 6 लोग बैठे हैं, एक ही पजल है, एक ही क्वेश्चन है, तो इस पहले इसको कर लेते हैं। तो यहीं पर हो जाएगा 6 5 4 3 2 1, 6 लोग हैं, उनके प्रोफेशन प्रोफेशंस जो हैं वो लोग हैं, उनके दिखा रखे हैं, वेट दिखा रखा है 35 से 70 के बीच में है, 35 से 70 के बीच में है उनका वेट, ठीक है, ठीक। एज वेट इज मल्टीपल ऑफ 26, मल्टीपल ऑफ 26, 26 तो होगा नहीं, 52, ए का वेट हो जाएगा 52, उससे बड़ा करेंगे तो 26 से ऐड करेंगे तो 4 8 58, मतलब 70 से बड़ा हो जाएगा। और ये कौन नहीं है, ये डॉक्टर नहीं है और ये ड्राइवर नहीं है, ठीक है, डॉक्टर और ड्राइवर नहीं है, लिख दिया मैंने यहाँ पे। डी इज बॉक्सर एंड हिज वेट इज 48 और 37। द वन प्रोफेसर, द वन हु इज प्रोफेसर हैज वेट विच इज ओनली अ प्राइम नंबर बिटवीन, ओनली अ प्राइम नंबर वेट अमंग ऑल एंड हिज वेट इज बिटवीन 30 से 40, 30 से 40 के बीच में प्राइम नंबर कौन सा होता है, 35 के तो ऊपर ही लाना है, 35 से 36 37 37, 39 होता है, 37 हो जाएगा, किसका वेट हो जाएगा प्रोफेसर का, तो 37, तो मतलब इसका इसका वेट, डी का वेट हो जाएगा 48 और 37 हो जाएगा प्रोफेसर का वेट, प्रोफेसर का वेट 37 हो जाएगा। सी इज अ बैंकर जो सब बनना चाहेंगे, बी बी ना तो आईटी है, बी ना तो आईटी है ना ड्राइवर है,
बट हिज वेट इज मल्टीपल ऑफ 23. 23 का मल्टीपल कौन हो जाएगा? 23 69. 3 मल्टीपल ऑफ 3 सॉरी 69 कैसे 46. अच्छा 46 और 69 दोनों हो सकता है ना. बी के दो वेट हो सकते हैं. ठीक है, ईज वेट इज 32 लेस देन बी. 32 इसमें करेंगे लेस तो हो जाएगा 4 3 तो यही हो जाएगा 34. 32 लेस करेंगे 7 37. तो ई का वेट हो जाएगा 37 तो ई यहां हो जाएगा. बी का हमें वेट पता चल गया 69 है. ठीक है, और क्या बचा? सीज वेट इज मल्टीपल ऑफ 13 एंड डिविजिबल बाय 3 तो 65. F weight is multiple of 4 and 22. 88. C का weight is 44. सबका weight पता चल गया मेरे हिसाब से. बनाना start कर देते हैं हम लोग यहाँ पे. सबसे बड़ा कौन है? 69 weight है जिसका B है वो. फिर क्या आएगा? 69 हो गया. 65 हो जाएगा. 65 C. ये banker है. ठीक है, और फिर आ जाएगा 52 आ जाएगा 52 ए. फिर 48 आ जाएगा डी बॉक्सर आ जाएगा. फिर 44 सी आ जाएगा. नहीं सी नहीं है, एफ है सॉरी एफ है. 44 एफ है. फिर 37 ई प्रोफेसर आ जाएगा. ठीक है, ए ना तो ड्राइवर है, ए ना तो ड्राइवर ना डॉक्टर है. ये आईटी और ड्राइवर नहीं है तो डॉक्टर यहां जाएगा. डॉक्टर यहां जाएगा. ये आईटी आ जाएगा आई टी तो ये आ जाएगा ड्राइवर. पता हमारी बन गई है. यहां पे ये क्या दे रखा है? आफ्टर कंप्लीटिंग द रीजन फॉलो द फॉलोइंग कंडीशन. अच्छा, इफ द वेट ऑफ पर्सन इवन नंबर है, इवन नंबर है तो प्लस एट करना है. इवन नंबर प्लस एट करना है. ये एक एक्स्ट्रा यहाँ पे नोट दे रखा है, देखा नहीं मैंने. इफ द वेट ऑफ पर्सन इज ऑड नंबर माइनस फाइव करना है तो ऑड माइनस फाइव हो जाएगा. इवन प्लस एट हो जाएगा. और क्या बोल रखा है? अच्छा, फाइनल वाला जो होगा इसके बाद आएगा. तो मतलब जो इनकी एक्चुअल एज आएगी वो इसके बाद आएगी. तो माइनस फाइव डॉक्टर माइनस फाइव हो जाएगा. बी हो जाएगा 64. ए नहीं सी है. सी माइनस फाइव हो जाएगा 60. ए 60 हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा. प्लस 8 कितना हो जाएगा? 56. 8 8 6 हाँ. प्लस 8 52. माइनस 5 इज 32. ये एज हो गई हमारी फाइनल वाली. ये अब नहीं मानी जाएंगी. ये है फाइनल एज. तो मुझे ऐसा बन गया है. आईटी एनालिस्ट एंड हिज वेट. आईटी कौन है? ए 60. ये रहा. कॉम्बिनेशन इज ट्रू. डी डॉक्टर. डी डॉक्टर कौन है? डी डॉक्टर नहीं है. ई प्रोफेसर है. हाँ है. 32 है उसका वेट. एफ ड्राइवर 56 नहीं है. सी आई टी नहीं है. मैं इसे चेक कर रहा हूँ यहाँ पे सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है. वन हुज वेट हुज बैंकर वेट इज 60. बैंकर वेट 60 है. एफ आई टी है नहीं है. डी 56 है और बॉक्सर है ये भी सही है. बी प्रोफेसर डॉक्टर 64 है. तो सेकंड छोड़कर सब ट्रू है. सेकंड छोड़कर सब ट्रू. बाय मिस्टेक बी प्रोफेसर रिटन आई टी. बी बी का आई टी से हो गया. सी का प्रोफेसर हो गया. सी का प्रोफेसर डॉक्टर हो गया है. एफ का कौन हो जाएगा? एफ का आई टी हो जाएगा. ये समझ में नहीं आ रहा है कैसे कर रहा है इन लोगों ने. इफ बी का प्रोफेशन जो है वो आईटी हो जाएगा. सी का डॉक्टर हो जाएगा. ऐसे करके है क्या? ए बी सी डी ई. आईटी डॉक बैंक बॉक्स ड्राइवर प्रोफेसर डी
बी का आईटी हो जाएगा, बी का आईटी हो जाएगा, सी का डॉक्टर हो जाएगा, ए का ड्राइवर हो जाएगा, एफ का प्रोफेसर हो जाएगा, वो है एफ प्रोफेसर 32, एफ प्रोफेसर 32 ये जाएगा। ई का प्रोफेशन और वेट बताना है, प्रोफेसर है प्रोफेसर, प्रोफेसर 32। सारे क्वेश्चन हो गए, मतलब पजल सारी हो गई, छह लोग इसका पजल भी बना लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे दो तीन पजल और बचे हमारे पास, उनको भी जल्दी से करते हैं हम लोग। 6, 5, 4, 3, 2, 1 उनकी रैंक दे रखी है अलग अलग, रैंक दे रखी 1, 2, 3। रैंक वाला जब भी हुआ करे ऐसा करके लिखा करो, नहीं तो कंफ्यूजन बहुत क्रिएट हो जाएगा। जो फर्स्ट रैंक होगी वो पहले ही आएगा। पी गॉट लेस रैंक देन आर, पी गॉट लेस देन रैंक आर एंड ओ, पी गॉट लेस देन, एम गॉट रैंक मोर रैंक देन बट लेस देन पी, तो एम क्यू यहां पे आ जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। एन गॉट सेकंड लीस्ट रैंक, एन गॉट सेकंड लीस्ट रैंक, आर गॉट सेकंड हाईएस्ट रैंक और पी एम क्यू, पी एम क्यू यहां जाएगा, ओ यहां जाएगा। क्या पूछ रखा है, पूछा क्या इसने, हु गॉट द लीस्ट रैंक पूछा इसने, क्यू आ जाएगा आंसर हमारा। एक ही क्वेश्चन था इसका, एक क्वेश्चन ये बचा है पजल का, ये सही कर लेते हैं जल्दी से फटाक से। 10 मिनट बचे, मतलब कम से कम 10 क्वेश्चन तो हो जाने चाहिए, दो पजल बन जाएंगी मेरी। 10 लोग बोले हैं, रो वन रो टू, रो वन फेसिंग नॉर्थ तो रो वन फेसिंग नॉर्थ, रो टू फेसिंग साउथ, ठीक है। एन नो वन से राइट ऑफ एन, एन और साउथ देख रहा है एन, तो एन साउथ देख रहा है और उसके राइट में कोई नहीं बैठा, तो 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 तो एक है। द पर्सन सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन फेस टी, लेफ्ट फेस टी बन गया। एम फेस साउथ अपोजिट टू वी, एम फेस साउथ अपोजिट टू वी, इसको बैठाना है, दो जगह है। एस इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ, तो एस वी एम एन 1, 2, 3, 4, 5 टी यहां पे और वी एम एस, दो पॉसिबिलिटी बन गई हमारी। एस इज यू इज इमीडिएट नेबर ऑफ आर एंड क्यू, तीन लोग आएंगे, तीन लोग यहां पे जगह खाली है, यहीं पे है, यहीं पे आएंगे, तो यू यहां पे हो जाएगा, यू यहां पे जाएगा। और क्या बोल रखा है, मोर देन वन पर्सन सिट बिटवीन क्यू आर एन, मोर देन वन, मोर देन वन, क्यू यहां जाएगा आर यहां जाएगा, मोर देन वन क्यू, मोर देन वन, मोर देन वन क्यू आर, तो क्यू यहां पे आर यहां पे। और क्या बोल रखा है उसने, ओ आर पी आर के सामने आमने सामने नहीं बैठे हैं, पी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ पी, यहां पे ओ यहां पे, ओ आर पी तो यहां आ ही रहा है, आर के आमने सामने नहीं बैठेंगे, लेकिन ये वाली हमारी पॉसिबिलिटी सही हो गई, ये वाली गलत हो जाएगी, क्योंकि इसमें ओ आर पी यहां पे आ जाएगा, ओ आर पी या फिर पी और ओ ऐसे आ जाएगा, और आर के सामने ओ नहीं बैठा होना चाहिए, इसमें बोल रखा है नहीं करना, तो बन गई हमारी ये वाली पजल बहुत जल्दी बन गई। थर्ड राइट ऑफ क्यू, क्यू के थर्ड राइट ऑफ, क्यू थर्ड में एन बिफोर टॉस, ये क्या टॉस वाला क्या सिस्टम है। नाउ ईच पर्सन इन अ रो टू, रो टू फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इफ हेड नो चेंज, इफ टेल पर्सन चेंज देयर पोजिशन, अगर उसके सामने बैठो। अच्छा एच टी टी एच, एच टी टी एच टी, तो एच नो चेंज, टी चेंज है तो टी चेंज हो जाएगा, टी चेंज, एच नो चेंज, टी चेंज, टी चेंज, एच नो चेंज, ये बन जाएगा फिर बिफोर द टॉस एन अपोजिट टू, अपोजिट टू आर कौन बैठा है, अपोजिट टू आर टी बैठा है सिर्फ। पोजिशन ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू यू आफ्टर टॉस, यू विद रिस्पेक्ट टू टी, सेकंड टू द लेफ्ट, सेकंड टू द लेफ्ट, सेकंड टू द लेफ्ट, सेकंड टू द राइट, सॉरी सेकंड टू द राइट है। वी रिस्पेक्ट टू यू, यू के वी विद रिस्पेक्ट टू यू, सेकंड टू द लेफ्ट ही है यार, अभी गलत हो जाता।
ये वाला क्वेश्चन भी रह गया हमारा, ये मैंने अटेम्प्ट नहीं करा लग रहा है। दो क्वेश्चन छूट गए मेरे यहाँ पे। एन ओ एम एन ओ आर एम ओ आर बड़ा इक्वल टू एम आर छोटा तो एन 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 एम जो है वो एम एन से बड़ा है, ओ बड़ा तो एन एन गलत हो जाएगा ये वाला, आर ओ से एन ये भी गलत हो जाएगा, एन बड़ा टू ये भी गलत, सारे गलत है इसमें तो। एन ओ एम एन ओ आर एम ओ आर एम आर एम एम बराबर टू एन एन से जा नहीं सकते। अच्छा ये लास्ट में इधर और लग जाएगा, लास्ट वाले में इधर और लग जाएगा, इधर इधर और लास्ट वाले में लग जाएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। साइन सेम मतलब एलिमेंट सेम है, साइन साइन डिफरेंट है। अब ये बचा है क्वेश्चन, इस वाले को क्वेश्चन को कर लिया जाए क्या, पांच मिनट बचे हैं, या फिर ये पांच क्वेश्चन बचे हैं इनको कर लिया जाए। मैं समझ इसको कर लूं, एक ज्यादा सारे हो जाएंगे इसमें। मशीन इनपुट आउटपुट है, देख लेते हैं बनता है तो बनता है, नहीं तो उन वाले क्वेश्चन को करेंगे। लेटर सिंबल इंटरचेंज है, लेटर सिंबल इंटरचेंज है, हाँ लेटर सिंबल इंटरचेंज है। पहले स्टेप में तो लेटर सिंबल इंटरचेंज है, मैं यहाँ पे स्टेप लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। जी सिक्स डब्ल्यू फोर एट द रेट एच फाइव एंड एक्स नाइन हैशटैग जे टू क्यू सेवन टी वन वी एट डॉलर। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है, ये इंटरचेंज हुआ है लेटर सिंबल, लेटर और सिंबल इंटरचेंज, तो लेटर और सिंबल, सिंबल लेटर, सिंबल लेटर, सिंबल लेटर, सिंबल लेटर, सिंबल लेटर, सिंबल लेटर, सिंबल ये क्या आई है क्या, वन है वन, लेटर सिंबल लेटर, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में तो ये होगा, सेकंड स्टेप में क्या है, सेकंड में जितने भी सिंबल है वो रिवर्स कर दिए गए हैं, बस रिवर्स कर दिए गए। तो इधर सबसे पहला सिंबल आ जाएगा, फिर ये सिंबल आएगा, फिर परसेंटेज वाला आएगा, फिर ये वाला सिंबल आएगा, फिर हैशटैग आ जाएगा, एच एच आ जाएगा यहाँ पे, हैशटैग आ जाएगा, फिर हैशटैग यहाँ पे आ गया, टू आया यहाँ का, जे आ गया यहाँ पे, सेवन क्यू यहाँ पे आ गया, वन टी और एट वी यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एंड हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एट द रेट, यहाँ पे हो जाएगा ये वाला साइन हो जाएगा। ये ब्रैकेट वाले साइन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, नहीं तो इसको सी समझ सकते हूं मैं, ध्यान से लगाना पड़ेगा। थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, सिंबल सारे सारे सिंबल सारे सिंबल किनारे कर दिए गए, सारे सिंबल किनारे कर दिए गए,
सारे सिंबल किनारे कर दिए गए हैं। ठीक है, सारे सिंबल किनारे कर दिए गए हैं। फोर्थ स्टेप में क्या करा गया है? फोर्थ स्टेप में जितने भी अल्फाबेट हैं उनको रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया गया है, तो अल्फाबेट रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया जाएगा, बाकी सब कॉमन रिवर्स ऑर्डर में। जे जी डब्लू जी डब्लू जी डब्लू एच एक्स जे क्यू टी वी। फिफ्थ स्टेप में क्या हो रहा है? नंबर इंटरचेंज हो जाएंगे, फोर सिक्स वी टी क्यू जे एक्स एच वन एट, ये सिम नंबर इंटरचेंज, नंबर इंटरचेंज, नंबर इंटरचेंज, नंबर इंटरचेंज, नंबर इंटरचेंज, यहां पे डब्ल्यू आएगा, यहां पे जी आएगा, नंबर इंटरचेंज हो गए। वन यहां पे नंबर इंटरचेंज। सिक्स स्टेप में क्या हो रहा है? फिफ्थ एलिमेंट फ्रॉम द लास्ट, फिफ्थ एलिमेंट फ्रॉम द, एक दो तीन चार पांच, फ्रॉम द लेफ्ट, एक दो तीन चार पांच छह, क्यू 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 क्यू, एक दो तीन चार पांच एन, एक दो तीन चार पांच, ये नाइन आना चाहिए, यहां पे तो फाइव है, नहीं हो पाया यार, गलती कर दी इस क्वेश्चन को करके। तो हमारा पूरा खत्म हो गया है, देखते हैं कितने मार्क्स आए हमारे। 68 मार्क्स आए मेरे, 75 मैंने अटेम्प्ट करे थे, 75 मैंने अटेम्प्ट करे थे, 63 मार्क्स आए हैं। इंग्लिश में गलत हुए हैं, बाकी रीजनिंग में और अटेम्प्ट हो सकते थे, बहुत आसानी से हो सकते थे, इसमें मेरा पूरा टाइम वेस्ट कर दिया। यही बस चॉइस ऑफ क्वेश्चन होता है, आपको आना चाहिए। सॉल्यूशन देख लेते हैं, है ना, सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या क्या गलती हुई है हमसे। तो ये तो हमने अटेम्प्ट ही नहीं करा था। इंग्लिश में क्या, इंग्लिश में ये गलत गया है, इंग्लिश में ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करा था, बहुत हल्का हल्का अटेम्प्ट करा था, ज्यादा मैंने करा नहीं था अटेम्प्ट। ये मेरा गलत चला गया, इसमें क्या चला गया, टू बी इग्नोर टू रीड प्रॉब्लम मैंने शायद लगाया था ना, प्रॉब्लम स्लाइड स्लाइड ही ओवरलुक हो गया फिर ना। इंटरवेंशन इन द फेस ऑफ राइसिंग, ठीक है। क्वांट में सिर्फ एक गलत गया है, यहां पे क्वांट में एक गलत गया है, इसका मेरा आंसर 495 आ रहा था ना, 495 आ रहा था शायद, और इसमें तो 485 होगा आंसर, यही था आंसर, पता नहीं कहां गलती कर रहा था मैं बार बार। 446 और 39 पांच कह लिया, एकदम सही तो था यार, ठीक है। बाकी मैथ में और कहीं गलती नहीं गई है, रीजनिंग में शायद एक ही गलत गया है सिर्फ, और रीजनिंग में और अटेम्प्ट हो सकता था। तो ये था, ये पूरा फुल मैंने मॉक टेस्ट दे दिया आपके सामने, ठीक है। और ऐसे ही मैं ट्राई करूंगा कि ऐसी अटेम्प्ट करने का। रीजनिंग में देखो 28 हो रहा है, और मैं चाह रहा था कि 30 हो जाए, है ना, 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए मेरे, और उसी हिसाब से मार्क्स मार्क्स मुझे उस हिसाब से मिले नहीं है, मुझे पता नहीं क्यों। ये 0.5 का है, ये कितने मार्क्स का है इसमें बता नहीं रखा है, वैसे मुझे लग रहा है यही दो जो क्वेश्चन होंगे ये ज्यादा मार्क्स के होंगे, क्योंकि ये काफी लंबे लंबे क्वेश्चन थे, ज्यादा मैंने क्वेश्चन करा नहीं है, लेकिन इसको मैं शायद करके दिखा दूंगा आपको रफ कॉपी में बाद में, ठीक है। इन क्वेश्चनों को करना चाहिए था टाइम, है ना, यहां मैंने इस क्वेश्चन को ज्यादा टाइम दे दिया, और इस क्वेश्चन को टाइम देते तो बात बन जाती इन क्वेश्चनों को, क्योंकि जल्दी जल्दी हो जाते हैं। तो चॉइस ऑफ क्वेश्चन वही है, मैंने गलती कर दी यहाँ पे लेके इसको, ठीक है। तो ये था आज का पूरा फुल मॉक टेस्ट, होप सो आपको ठीक ठाक लगा हो। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि अगर आपको और भी मॉक टेस्ट चाहिए हो, मैं ट्राई करूंगा एक दो तीन मॉक टेस्ट और निकालने का, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है, एडिटिंग पार्ट में बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है, क्योंकि इन वीडियोस को कंबाइन करना पड़ता है, ये तो कंप्यूटर वाली ही होगी वीडियो, और फोन में भी जो वीडियो बन रही है इसको कंबाइन करना है,
उसी में प्रोसेसिंग में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए मेरा बनाने का मन नहीं करता है, लेकिन ठीक है मैंने बना दिया है। इससे आपको पूरा फुल आइडिया हो जाएगा कि मेंस के मॉक टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए तो ही मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई विल मीट यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन वर्क हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड डू मॉक टेस्ट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और भी ऐसे मॉक टेस्ट चाहिए हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं ट्राई करूंगा एक दो बनाने का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।